कायदा आगाज तलावते कलामे पाक से हुआ चाहता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے جنت میں دو باغات ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے دونوں باغات نہایت گہرے گھنے شاخوں والے سرسبز اور شاداب ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے ان دونوں باغات میں دو چشمے ہیں جو دور تک بہتے چلے جاتے ہیں سو اے جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے آج کے گیسٹ سپیکر جناب پروفیسر احمد رفیق صاحب ہیں آپ 15 اپریل 1941 میں پیدا ہوئے گورنمنٹ کالج لاہور سے پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی کئی سال تک کالج کی سطح پر تدریس سے وابستہ رہے مغربی اور مشرقی علوم کے گہرے مطالعے کے بعد جن میں ادب فلسفہ تاریخ اور تقابل ادیان جیسے علوم شامل ہیں آپ نے سال ہر سال خاص طور پر صرف قرآن پاک کا مطالعہ کیا ملک کے اندر اور ملک سے باہر اسلام کے فلسفہ حیات پر لیکچر دیتے ہیں انہیں 21ویں صدی کا سینٹ اور اسلام میں خدا کے تصور پر سب سے معتبر اسپیشلسٹ قرار دیا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ علمی اور تحقیقی کاوش اور عملی زندگی میں صرف خدا ہی اولین ترجیح ہے آپ کی چند اہم کتابوں میں مقدمۃ القرآن جہاں سورج نہیں ڈلتا حقیقت منتظر اسلام اور عصر حاضر یہ آسمان بھی رستہ ہے بست و کشاد پس حجاب پیمان ازل ماورائے سراب آسن تقویم علامات نقوش صدرہ جمال چراغ سر راہ سلطان نصیر اور استفسارات شامل ہیں تازہ ترین میں سفر آخر شب ہے آج کا لیکچر
इस्लाम में हलाल व हराम का तसव्वुर के मौजू पर होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह जरूर मुस्तफीद होंगे। जनाब प्रोफेसर, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। خادم حضرات, ये खुशतबई तो हमारे साथ जारी रहती है। बिजली का आना जाना तो किसी पुराने फारसी और उर्दू के महबूब की तरह हो गया। आई एम स्पेशली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं उन लोगों से मिल रहा हूँ जिनके लिए हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इससे भी बढ़कर, क्योंकि हलाल और हराम का बराए रास्त ताल्लुक अदल और इंसाफ से है और अदल और इंसाफ का बराए रास्त ताल्लुक ईमान से है। तो आप पर दुनियावी जिम्मेदारियां तो होंगी मगर आपकी मुलाजिमतों का कारकर्दगी का बराए रास्त ताल्लुक जो है वो खुदा और रसूल से अकाउंटेबिलिटी पर भी है। ये इम्पॉर्टेंट अमर है कि हम देखें कि हलाल ईमान के बगैर नहीं और हराम जो है उसका कोई ना कोई ताल्लुक जो है ईमान की कमी से ज़रूर होता। अल्लाह के रसूल के इरशाद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान एक पायदार हालत में नहीं रहता, ये कमी और बेशी का शिकार रहता, ये घटता बढ़ता रहता। जहां आप किसी ऐसी इंसानी कमज़ोरी या शैतानी बहकावे का शिकार हुए वहाँ ईमान जो है ये अपने तवाज़न खो जाता है। फिर जब आपने रजू किया, तौबा की, खुदा के हुजूर एक बंदे की तरह हाजिर हुए, उसे में आलम बाला का असली और हकीकी हुक्मरान समझकर उससे इस्तदा की, गुजारिश की, तो फिर खुदा वंदे करीम हर हाल में बख्शने वाला। खादिम हज़रात, बड़ी अजीब सी बात है कि जब एक आयत कुरान हकीम उतरी तो पूरे के पूरे मदीना में खुशी की बेहद्दो हिसाब लहर दौड़ गई। और मुहद्दसीन का कहना यह है कि इस आयत से सारे असहाब इतने खुश हुए कि एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। वो आयत करीमा क्या थी के कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फुसिहिम, है पैगंबर मेरे बंदों को सुना दीजिए, कह दीजिए कि तुमने बहुत गुनाह किए, बहुत ख़ताकार हुए, बड़े जुल्म और सितम हुए, तुमने अपनी हकीकत ना पहचानी, तुम खसारे का शिकार हो। ख़ादिम हज़रात, खुदा गुनाह के लिए खसारे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर, वो बैलेंस जो इंसान को ज़िंदगी से गुजरते हुए चाहिए होता है, जब वो बैलेंस नुकसान में पड़ जाए, नफ़ा और नुकसान में, हलाल और हराम में पड़ जाए, तो इंसान खसारे में चला जाए। तो परवरदिगार ने गुनाह का जिक्र नहीं किया। इरशाद फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, तुमने बहुत इसराफ़ किया, जायज़ चीज़ों को नाजायज़ खर्चा, उम्र को गुरेजा कर दिया, जिस उम्र को बहुत अरसा रहना चाहिए था तुमने उसे जल्दी कर दिया। ये खातिन हजरत हराम की सिफत है कि आप उस उम्र को ज़ाया करते हो जिस उम्र को आहिस्ता रवि से अपने मकाम कमाल तक जाना होता है, जल्दी में, उजलत में, और एक एक उसी रिज़्क को हासिल करने की कोशिश करने में जो परवरदिगार आलम ने आपके लिए लिखा होता है, उसको आप जल्दी से हासिल करोगे तो उम्र तमाम हो जाए।
जरा इसके मुताबिक एक हदीस सुन लीजिएगा ताकि आपको तसल्ली हो कि मैं को मफरूजी की बात नहीं कर रहा। हजरत जाबिर की रिवायत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि रिस्क को ज्यादा मत फैलाओ। ये मैं थोड़ी सी आपको बाद में वजाहत कर दूँ, मत फैलाओ का क्या मतलब, इसलिए कि कोई भी इंसान उस वक्त तक न मरेगा जब तक उसकी आखिरी रोजी भी उसको ना मिल जाए जो उसकी तकदीर में थी। लिहाजा कस्बे हलाल और तर्क हराम में अच्छा तरीका इख्तियार कर। खादिम हजरात, रिस्क को फैलाने का एक मतलब है, अगर एक शख्स के नसीब में एक मुकर्ररा रिस्क लिखा हुआ है और आप इस उजलत में हो कि उस जल्दी को उसमें जल्दी डाल दो और उसको जल्दी हासिल करो, उसके लिए जायज़ और नाजायज़ की तफरीक उठा दो, तो आप यकीन करो कि आप अपनी उम्र में कमी कर रहे हैं। जिस रिस्क को आपने 70 साल में हासिल करना था, जिस रिस्क में आपकी एक ठंडी मीठी एक रविश जारी थी, उसको आपने ये सोचा कि मैं ज़िंदगी के तकाबुल में आकर अपनी ज़रूरियात के मसाइल में आकर अपनी इश्तहाए ज़िंदगी में आकर अपने ख़तरात को समेटते हुए आपने उससे जल्दी जल्दी इकट्ठा करने की कोशिश की, आपने अपनी उम्र तमाम कर ली, थोड़ी कर ली, 70 को 40 बरस कर। सिर्फ यही नहीं खाती नजरा, बदकिस्मती की बात यह है कि उस रिस्क को हासिल करते हुए उसके अंजाम व आवाकिब पर हमारी नज़र नहीं जाती। हम सोचते हैं कि एक वक्ती सहूलत जो है ये इतनी बड़ी है और हमारा वक्ती तायुश इतना बड़ा है कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मगर ये अजाब 3 नस्लों तक जाता है। रिस्क की खराबी का जो अजाब है 3 नस्लों तक जाता है, घरों तक जाता है, एटीट्यूड्स बदल जाते हैं, खसलतें बदल जाती हैं, उनकी तालीमात के रुख बदल जाते हैं, आपके बच्चों आपकी बीवियों आपकी बेटियों तक वो असरात जाते हैं, और कोई शख्स भी बिलाखर इस बैलेंस शीट में रिस्क हराम के बाद नफ़ा लेके नहीं निकलता। खातिन खादिम आजाद, हम सब नाकदर लोग थे, बड़े कमतर, बड़े बड़े ख़ानदानों के हमारे नाम थे, यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। आबाओ अजदाद पे फ़ख्र करना हमारी आदत थी, हमारी रस्म है, छोटे छोटे से एक नज़रिए के ऊपर हम अपने पता नहीं कितने बड़े नुकसान कर लेते हैं। हमारी सोचों में भी हराम व हलाल होता है, जब एक गलत सोच पे हम तवक्कल करेंगे हमारा फिक्री एतदाल बिगड़ेगा, तो वहाँ भी हमारे बैलेंस से शार्ट हो जाते हैं। मगर अल्लाह का आप एहसान देखो, कितना बड़ा एहसान था कि हमें ऐसा से कमतरी से निजात दिलाने के लिए परवरदिगार ने हमें एक और नातादारी बख्शी, एक ऐसा रिश्ता बख्शा जिसमें जुमला मुसलमान फख्र कर सकता है। फरमा मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम इब्राहिम की मिल्लत हो, अपने बाप इब्राहिम की। खादिम हजरात, ये अनोखा रिश्ता अल्लाह ने हमें अता फरमाया, हुवा समाकुम मुस्लिमीन, और तुम्हारा नाम मुसलमान रखा गया। जो भी मुसलमान है उसका जाहरी नसब चाहे जो कुछ भी हो, उसका असली नसब जो है कि वह औलाद इब्राहिम है, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। तो फिर जब अल्लाह ने इब्राहिम को आजमाइश में पूरा पाया और फरमाया, क्या इब्राहिम, मैंने तुम्हें पूरी जुमला इंसानियत का इमाम मुकर्रर किया, मैंने तमाम नस्ल इंसान का तुम्हें इमाम मुकर्रर किया, तो हजरत इब्राहिम के दिल में अपनी औलाद का ख्याल आया, वो औलाद जो मुसलमान के नाम से जाना जाता था, जो अल्लाह ने उनकी औलाद को नाम दिया था। तो आपने पूछा क्या परवरदिगार, मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे बेटों का क्या बनेगा, उन मुसलमानों का क्या बनेगा जो मुद्दत आखिर तक कयामत तक मेरी नस्ल से आएंगे, वो भी तो आखिर मेरी ही मिल्लत होंगे, और मेरे
اپنی اولاد کی امت محمد سے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم میں سے ہیں اور دعائے ابراہیم میں سے ہیں. حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار انہی نسلوں میں سے انہی لوگوں میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھا جو تیرے لوگوں کو علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک صاف کرے, تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. اور خادم حضرات جب اللہ کے اس رسول نے دعا مانگی کہ میری اولاد کا کیا بنے, تو خدا نے ایک ہی جملے میں بات کر دی, فرمایا قال لا ینال احد الظالمین, کہ تو اپنے وقت کا اپنی امت و ملت کا امام ہے, مگر اے ابراہیم ہم ظالموں سے عہد نہیں باندھیں گے. فرمایا لا ینال احد الظالمین, کہ میرا عہد تیری اولاد میں جو ظالم ہوگا, جو مسلمان ظالم ہوگا, اس کو ہمارا عہد نہیں پہنچے گا. اور خواتین و حضرات ظلم تو پھر قصب حرام سے آتا, اور حضور کی حدیث گواہ ہے کہ یہ ظلم نہ صرف دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے, سب سے بڑا یہ ظلم اپنے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے کم کرتے ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو شاید علماء کے یا تو علم میں نہیں ہوتی یا آپ تک پہنچائی نہیں جاتی. عمروں کا راز ایک تو آپ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جس شخص کو پراپر عمر پانی ہے, مکمل عمر پانی ہے, بیماریوں سے نجات یافتہ عمر پانی, جس نے اپنے اولاد کی فلاح و بہبود پانی, جس نے اپنے گھروں میں حلال کی رستخیز دیکھنی اور کمال فن دیکھنا ہے اور محبت و مروت کی عہد و پیمان دیکھنے, جس نے شرافت و اخلاق کی پاسداری دیکھنی, وہ کبھی یہ نعمت حرام کے رزق سے نہیں پا سکتا. خصوصیت یہ صرف اور صرف حلال میں ہی ہوگی. خدا کا خوف ہوگا, عدل و انصاف ہوگا, محبت ہوگی, مروت ہوگی, صبر ہوگا, استقامت ہوگی, پراپر کمٹمنٹ ہوگی. اور خادم حضرات ان گھروں میں مہمان نوازیاں ہوں گی, اللہ واسطے خرچ کیا جائے گا. اللہ پھر ان کو ایسے ذرائع سے دیکھا جس کا ان کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا. حضرت امام زین العابدین کی ایک روایت ہے, شاید آپ کو بھی طول عمر عزیز ہو, اور میں ایک وہ بات ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت الامام نے فرمایا جب مہمان آ جائے, ویسے تو بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس فورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ میزبان مہمان ہی ہوتے ہیں, میزبان کبھی نہیں ہوتے, مگر اگر وہ مہمان آ جائے تو امام زین العابدین نے فرمایا اگر کوئی مہمان آ جائے اور اس کے ساتھ تم بیٹھو اور اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر مہمان بیٹھتا ہے, تو خدا وہ وقت تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے. کتنا آسان نسخہ کہ خدا وہ وقت تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے جتنا وقت تم مہمان کے ساتھ صرف کرتے ہو, جتنا عرصہ. مگر یہ بھی خواتین و حضرات ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا دشمن بہت بڑا ہے. ایک شخص ابھی کل ہی پوچھ رہا تھا کہ ہر فتنے کے پیچھے ایک انگیخت ہوتی, ایک ایسا جذبہ جس کی کبھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ نادیدہ جنات سے تو بہت ڈرتے ہیں, مگر وہ جن جو صبح و شام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جو ہر وقت ہمیں اکساتے ہیں, جو دنیاوی خواہشات کی شکل میں آتے ہیں, جو آرزو کا فریب دیتے ہیں, تل کاما نہیں ہوں, جو ہمیں ایسے ایسے خواب و سراب دکھاتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. اور بڑی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں آپ کا خیال ہوگا شیطان آپ کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ولیوں کو بھی بہکاتا ہے. اتنے بڑے اس کے پاس ٹیکٹکس نہیں ہیں, وہ بڑی چھوٹی چھوٹی زندگی کی باتوں میں آپ کو فریب دیتا ہے. معمولی معمولی بات آپ اسے نگلیکٹ کر دیتے ہو, آپ کوشش نہیں ہوتے ہو, نگران نہیں ہوتے ہو, اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں کیا کروں. میں کہتی ہوں حضرات جب تعلیم چھوڑ گیا تو میں
एक छोटी सी दुकानदारी थी मेरे वाले साहब के, मैं उधर बैठ गया। मैं 18 साल की तालीम के बाद कुछ इसी बात से बेजार हुआ कि उम्र अंग्रेज़ी पढ़ाते गुजर गई थी। बेसिकली आई वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो मैंने सोचा चलो घर बैठते हैं, बहुत पढ़ा ली अंग्रेज़ी, तो आपको खुदा और रसूल की बात सोचता हूँ, पढ़ाने की कभी नहीं सोचा। तो वो मैं बिजनेस में चला गया। मैं तो ये बड़ा इसलिए वाक्य बता रहा हूँ कि आप बताएं कि ये दो दुश्मन खुदा और रसूल है, ये इतना बड़ा नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हल्की हल्की आजमाइशें शुरू करते, छोटी छोटी बातें। तो एक गाहक आ गई, बड़ी खातून अंधी सी थी, बूढ़ी बहुत थी, तो उसने मुझे कहा फलां प्यालियां हैं। मैंने इधर देखा, मैंने कहा हाँ हैं। तो कहने मुझे दे दो। तो मैंने देखा एक प्याली ऊपर से मुरकी हुई थी, एक छोटी सी मुरक थी। मैंने कहा तो बूढ़ी औरत है, इसको तो नज़र ही नहीं आएगा, तो ऐसे करता हूँ कि इसको दे देता हूँ, पैसे कम ले लेता हूँ। जब मैं करीब हुआ तो मैंने कहा यार अच्छी बदबख्ती है, ये फितना रोज़गार इस वक्त कहाँ से आप मौजूद हुआ। तो मैंने कहा यार तुम तो बहुत बड़े शैतान हो, इतनी शैतानी तुमने कि एक छोटी सी बात पर तुम मेरी सारी पढ़ाई लिखाई गारत कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने पहले इस बुढ़िया को बताना, मैंने रिज़्क़ हलाल खाना है अगर, तो मैं इस बुढ़िया को बताऊंगा। तो जब मैं उसके करीब गया, मैंने सोचा अगर इसके बाद भी मान, मैं 10 रुपये कम कर दूंगा, इतना चलो मेरा लॉस ठीक है। तो उस बुढ़िया को मैंने उंगली लेकर ना उस प्याली की नुक्कड़ पर रखा, मैंने कहा बुढ़िया ये देखिए सर टूटी हुई है बीबी, और तू अगर चाहे तो मैं इसके पैसे कम कर। मुझे खादिन हजरात आज तक उसका जवाब याद, वो कभी नहीं भूला। तो उसने मुझे कहा रूठे ना क्या होना, ये उसने आगे से मुझे पुठवारी में कहा, उन्हें कहा रूठे ना क्या होना, मैं इन्हें 5 रुपये काट दे सा। अच्छा सोच कि मैंने 10 रुपये कम करने का सोचा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि मैं इसने 5 रुपये काट दे सा। मैं कहा 5 नहीं तू 15 काट दे सा, अल्लाह से चुक दे टूट दी हो। और फिर मैंने इस खबीस को कहा, मैंने कहा यार वाकई तू बड़ा शैतान है, इतनी मामूली सी बात पे तू कितनी शानदार तूने टेक्निक इस्तेमाल की है, और किस वसवसे में इंसानों को डालता। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपने लोगों की और सिफात वाले की एक अजीब सी निशानी सी बताई है, फरमाया जब उनके दिल से वसवसा शैतान गुजरता है तो वो चौंक पड़ते। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कहीं ना कहीं से एक वसवसा शैतान जब गुजरेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन ना हो जाए, वो ग्लिम्प्स जरूर देगा कि इट्स नॉट ऑल राइट, इट्स नॉट फेयर, इट्स रॉन्ग, और वो कहीं ना कहीं आपको एक वार्निंग ज़रूर इशू करे। और ख़ास तौर वो लोग जिनकी नीयतें अच्छी होती हैं और जिनके आमाल भी बज़ाहिर खुदा की तरफ होते हैं, उनके दिलों से ये ज़रूर गुजरता है कि ये काम अच्छा नहीं है। फिर एग्जुबरेंट होता है, खुदा ने कहा हलाल बहुत कम है, हराम बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है जब ज़्यादा होगा तो एक जुमला आप ज़रूर बोलोगे, क्या करें जी हर तरफ यही तो हो रहा, क्या फिर इंसाफ की जो हिस है इंसानों में नहीं खाली होती, जानवरों में भी होती, उनमें भी ये होता है कि ये हमारे साथ जो काम हो रहा है कार्य हराम होता है। एक दफ़ा इंग्लैंड में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स इकट्ठे हुए बंदरों पर कैपुचिन मंकी पर तजुर्बा कर रहे थे। वो तजर्बा ये था कि एक बंदर को उन्होंने केला खराब दिया, एक को अच्छा दिया। वो अच्छे वाले बंदर तो मस्त हो गया केला खाने, जो बुरे वाला वो जो केला था उसके बंदर ने ना साफ ना कर दी कि ये केला मैं नहीं लेता, और उसके बाद जो उछल कूद उसने मचाई, जो रौला छोला डाल जैसे सियासत में होता है, तो बहुत सारा रौला छोला डाला। इतने में और बंदर उतर आए और उनकी नादीदा गुफ्तगु जारी हो गई। थोड़े अरसे के बाद साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि तमाम के तमाम बंदर उछल कूद के बार बार उसके मुंह पे आ रहे हैं और उसके साथ खी खुआ कर रहे हैं कि ये क्या नाइंसाफी है। बिल आखिर उन्होंने वो किला बदल दिया
और उसको अच्छा खेला दिया। अचानक एवरीथिंग वाज साइलेंट, पीसफुल, कंफर्टेबल। तो वहाँ से उन्होंने एक तमाम नफ्सियात दानों ने एक कानून निकाला कि इंसाफ बाहर से नहीं आता, इंसाफ को कायम नहीं करता, ये इंसान के बातिन में हर सूरत महफूज होता, हर इंसान और हर जानवर के बातिन में ये इंस्टिंक्टिव शऊर में शामिल है, ये हमारा जबिल्ली शऊर है, हमारी खसरतों में से जो नादानिस्ता या नादानिस्ता हम हर नाइंसाफी की मज़ाहमत करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई बंदा जो है जब आगे बढ़ता हुआ ज़िंदगी गुजारता है तो उसने इस इंसाफ को या मुस्तहकम करना होता है या गैर मुस्तहकम करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो हमारे इस रुझान को या तकवियत देता है या कमज़ोरी देता है वो हमारा रिस्क है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्राम जैसे आपने पहले सुना, और मैं इसको छोटी मोटी हदीस नहीं समझता, अगर किसी इंसान को इस बात का इल्म हो कि रिस्क हराम उसकी ज़िंदगी कम कर रहा है और जो रिस्क उसने एक तवील मुद्दत में हासिल करना है, उसने खुदा की तरफ से इनाम ज़दा ज़िंदगी में जो उसने हासिल करना है वो उसे कितनी जल्दी अपनी हमाकतों से ज़ाया कर देता है, तो इतना बड़ा खसारा कोई नहीं होता। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इरशाद जब ये आयत उतरी कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम, कि अपने आप को खसारे में मत डालो, अच्छी क्वालिटी को ज़ाया न करो, जो सलाहियत अल्लाह ने तुम्हारे बातिन में खैर की रखी है उसको इस नाखैर में, हलाल की रखी है तो उसे हराम में मत डालो, और अगर डाल दिया तो देखिए बगैर इसके हमारी गुजर नहीं, हम इंसान हैं और हमारे कोई ना कोई ख़ता हो जाएगी, अगर अगर ऐसा हो गया तो उसको मुस्तकिल रिवायत ना बनाओ, पलटने की कोशिश करो। तो खुदा कहता है कि ला तक ना तू मिर रहमतिल्ला, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना, अगर ऐसी कोई गलती हो जाए, जबरन हो जाए, जहनन हो जाए, उजलतन हो जाए, तो फिर वापस पलटो और खुदा की तरफ आओ, ला तक ना तू मिर रहमतिल्ला, तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। क्यों? एक ऐसा बड़ा कानून अल्लाह ने दिया, जो मैंने आपसे अर्ज की कि असहाब इतने खुश थे कि एक दूसरे के मुबारकबाद देते थे कि इस आयत की वजह से अल्लाह ने हम पर कितना एहसान फरमाया, इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीया, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ करता है, किसी किस्म की उसमें तख़सीस नहीं है, जमीया मुकम्मल तमाम गुनाह माफ़ करता है, बशर्ते के तुम किसी को अकाउंटेबल हो जाओ, बशर्ते के तुम अपने हिसाब किताब को किसी दुनियावी अथॉरिटी के सामने ना रखो, बल्कि तुम उस परवरदिगार आलम के सामने रखो जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, जिसने तुम्हें पहला सांस दिया, जिसने तुम्हें आखिरी सांस। खुदा को एक बड़ा गिला रहता है वैसे लोगों, वो कहते हैं इनकी अकलें दुरुस्त नहीं, मैंने इनको अकल दी थी कि सही तरजीहात का इंतखाब करो, बदकिस्मती से ये इनको तरजीह बनानी ही नहीं आती। कहते हैं एसेट्स गिन लो अपने ईमान के मुताबिक। मैं उन लोगों की बात नहीं करता खातिन हजरा जो खुदा को नहीं मानते, उनके लिए शायद दलील दूसरी होगी, उनके लिए शायद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अकवाल हों, उनको आप खुदा, मेरे एक शख्स ने मुझसे कहा कि मैं खुदा नहीं मानता, तो मेरे साथ एक बड़े पुराने मुस्लिम बुजुर्ग खड़े थे, तो उन्होंने कहा हम तो इसलिए मानते हैं कि एक सादिक को अमीन ने कहा है कि अल्लाह है, तो वो आगे आगे से हंस के कहने लगा कि मैं खुदा नहीं मानता तो मैं रसूल कहाँ से मानूंगा। तो खादिन हजरात ये भी एक किस्म है लोगों की, शायद उनसे हमारी गुफ्तगू डिफरेंट होती है, इसीलिए परवरदिगार आलम ने एक सख्ती रखी है इल्म के मौजू पर कि हर बंदा डिस्कशंस ऑफ रिलीजन के काबिल नहीं होता, इसमें किसी की तख़सीस नहीं है, पर्टिकुलरली कहा कि उसके चंद उसूल हैं, मज़हब पे गुफ्तगू के चंद बड़े मोतबर उसूल हैं, और अगर किसी को मुकम्मल नहीं होगा
हजरत इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आ गया तो उसने कहा इब्ने अब्बास मेरा दिल करता मैं मजहब की बड़ी तबलीग करूँ। तो आपने पूछा कुरान कितना पढ़ा, कितने बस पढ़ा है, अरब तो था ही वो, कहते पढ़ा। तो उनका तराजम और तफसीर कितनी पढ़ी, उनका इब्ने अब्बास थोड़ी बहुत तो पढ़ी है। तो आपने पूछा कि सीरत और फिक्र और मगाजी कितने पढ़े, अरे इब्ने अब्बास अब इतने तो नहीं ना ज़्यादा पढ़े मगर पढ़े हैं, फिर भी मेरा दिल करता है मैं तबलीग करूँ। तो एक कोड़ा था उनके हाथ में, आपने दो मारे उनको, कहने के वापस जा और पूरी पूरी तालीम हासिल कर कुरान की, हदीस की, फिका की, तफसीर की, मगाजी की, अस्मा और रजाल की, और इसके बाद भी तुझे इजाज़त नहीं है तबलीग। खादिम हजरात वजह ये है कि आप हर वक्त एक किस्म का आदमी सामने नहीं पाते और उनकी अजीबो गरीब तसव्वुरात होते हैं। अब देखें ना, एक अगर फ़र्ज़ करो आप एक ऐसे शख्स के पास चले जाओ जो अपने मॉडर्न उलूम पर बड़ा नाज़ा है, आप तो उसकी लैंग्वेज नहीं समझते। अगर वो एटॉमिक फिज़िक्स के हवाले से बात करेगा या अगर आप कॉस्मोलॉजी की रेफरेंस से, बैन कायनाती उलूम की रेफरेंस से बात करेगा या वो जीनियाती उलूम की रेफरेंस से, जेनेटिक्स की रेफरेंस से बात करेगा, अगर आपको उस, आप तो उसके जानते नहीं हैं, रेफरेंस ही नहीं जानते, तो वो यकीनन आपको जाहिल समझकर आपके मज़हब से भी गुरेजा होगा और ये तंज भी करेगा कि क्या खुदा और रसूल को यही लोग मिले हैं। अगर इस किस्म के लोग एक आम सिविल सर्विस के इंतखाब में हुकूमतें कितने बड़े आलिम को मांगती हैं, बड़े दानिशवरों को जानती हैं, उनको तरबियत देती हैं, आपको तरबियत देती हैं, अदल व इंसाफ के इस्तेहकाम के लिए आपको दो दो चार चार साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर जो इतने बड़े डिसिप्लिन को जाएगा, जो खुदा की बात करेगा, मज़हब की बात करेगा, हलाल व हराम की बात करेगा, अदल व इंसाफ की बात करे, उसका भी तो कोई इल्म होना चाहिए। तो खुदा ने ये कैद रख दी कि उदू इला सबील रब कबिल हिकमत है, कि बुलाओ अल्लाह की तरफ, मगर पहली शर्त यह है कि इल्म व हिकमत से बुलाओ, बग़ैर इल्म मत बुलाओ, बग़ैर हिकमत मत बुलाओ। अगर तुमने लोगों को खुदा की तरफ बुलाना है तो उदू इला सबील रब कबिल हिकमत है व बिल मोइज़ातिल हसनत है। और दूसरी शर्त उससे भी कड़ी है कि ऐसी आवाज़ से अजान ना दो कि मुअज्जिन की अजान से नमाजी भाग जाएं। आपको पता है शेख सादी ने वाक्या लिखा था एक कि फिर एक मौलवी लाए बड़े शौक से एक पिंड वाले और बड़े पैसे भी खर्चे उस पर, उनको बड़ा शौक था मस्जिद आबाद करने का। जब मुअज्जिन ने अजान दी तो लोगों के दिल दहल गए कि ये खौफनाक आवाज़ कहाँ से आ रही है, फिर उतने से ज़्यादा पैसे देकर उन बेचारों से उनके रिहाई हासिल की। तो एक लहजा, एक अंदाज़े तकल्लुम जो है वो बड़ा ज़रूरी है, खुदा के लिए बेहतर और ख़ूबसूरत बात करना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह ने शर्त रखी है ना सिर्फ ये कि इल्म व हिकमत हो मगर तेरा अंदाज़े गुफ्तगू भी अच्छा। फूल नहीं झड़ सकते तो नॉर्मली तो आपके लहजे में, अभी आप देखिए मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं पिछले को 20-30 दिनों से बड़े बड़े सियासी लीडरों की बात सुन रहा हूँ, मुझे अजीब सा एहसास होता है कि उनमें किसी को बातचीत करनी नहीं आती मगर किसी काज के, हर एक की उर्दू इतनी नाकस है, डायलाग इतने बोगस होते हैं, और ऐसे लगता है कि इन्होंने मुल्क की सलामती को तो शायद महफूज कर लें मगर किसी के गुफ्तगू में रस नहीं है, कोई अंदाज़े गुफ्तगू नहीं है, अजीब ऊटपटांग उर्दू बोल रहे होते हैं जिसको सुन के ख्याल आता है कि शायद ये कोई गैर पाकिस्तानी है जिसको नेशनल लैंग्वेज की अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं उसकी हुई। और फिर खुदावंद करीम ने कहा कि देखो इन वक्तों में कभी कभी बहस करनी पड़ जाती है, तो सिर्फ अच्छी बात ही ज़रूरी नहीं, वह जादिल हम बिल्लती ही या आसन, जब बहस पड़ जाए, बहस को खादिन हजरत हम डायलेक्टिक्स कहते हैं, डायलेक्टिक्स का मतलब है जदलियात,
जदलियात का मतलब है कि हर आदमी को ये हक है कि वो आपकी बात के खिलाफ, थीसिस के खिलाफ एंटीथीसिस बिल्ड करे, नज़रिए के खिलाफ खिलाफ नज़रिया एक कायम करे। अल्लाह की आदत बड़ी खूबसूरत है, अनपढ़ बंदे को नहीं पसंद करता, सोचने वाले को पसंद करता, इल्म वालों को पसंद करता। तो उसने कहा देखो ये गलत है कि किसी का ब्लाइंड फेथ है मुझ पर, जो ब्लाइंड फेल वाला है उसकी तरफ तो मैं नज़र भी नहीं करता, मैं तो उसे सिरे से देखता भी नहीं हूँ। इन नशर दवा बेन्दिल्लासमन बुकमलिन याकिलून, कि मैं अंधों और बहरों की तरह जो मेरी किताब पे गौर करते हैं मैं उन पर नज़र भी नहीं करता। तो फिर वो किस बात पे गौर करता है? कहता है लैया हलाका मन हलाका अम्बैनातिन, जो हलाक हुआ वो दलील से हलाक हुआ। वह यहया मन हया अम्बैनातिन, जो जिंदा हुआ वो दलील से जिंदा हुआ। इन अल्लाह समीउन अलीम, तुम्हारा अल्लाह सुनने वाला है, इल्म वाला है। कोशिश ज़रूर करो उसके बारे में कुछ जानने की, बेहतर लोगों के पास, और जब बहस और मुबाहसा हो जाए तो तुम बेहतर अंदाज इख्तियार करो, झगड़ालू अंदाज ना इख्तियार करो। ये झगड़ालू अंदाज खातिनो हजरात कैसा होता है कि लॉर्ड बर्टन रसल ने एक दफ़ा कहा था कि जो जब दो आदमी बहस करते हैं तो वो अगर साल साल भी बहस करते रहें तो आखिर में वो जीता है जिसकी आवाज़ ऊंची होती है, ना उसमें दलील होती ना अकल होती, बस वो जीता है जिसकी आवाज़ ऊंची होती। मगर खुदा ऐसे बहस मुबाहसे से मना करता है, खुदा गौर व फिक्र को मायल कर। गौर व फिक्र की वजह से ही हमारे मज़हब का हर मसला अल्लाह को पलट जाता है, चाहे वो हलाल व हराम हो, चाहे वो अपने इंसाफ व अदल व इंसाफ हो। तो मकसदियत जो है खुदा को पलट जाती है कि कोई शख्स भी जो इस मौजू पे गुफ्तगु कर रहा है, अमल कर रहा है, उसकी नेचुरल असली अकाउंटेबिलिटी किधर है? क्या इंसान की तरफ जाती है, हुकूमत की तरफ जाती है, या खुदा की तरफ जाती है? इसीलिए खातिन हजरात एक बड़ी खूबसूरत आपको हदीस सुनाऊं जिससे आपको हलाल और हराम में एक बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। हज़रत सैयद अबू दर्दा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है, कि जो अल्लाह ने किताब में हलाल किया वो हलाल है और जो हराम किया वो हराम है, और जिन चीज़ों से वो खामोश रहा वो माफ़ है। खदीम उजात हमारे यहाँ बड़े बड़े नए मसाइल पैदा हो गए आजकल के दिनों में, हलाल और हराम में इतने सारे बुज़ुर्ग पैदा हो गए, इतने सारे मुफक्करीन इस्लाम अपनी मर्जी से हलाल और हराम कर, जूती इस तरह पहनी हराम है, बाल इस तरह करने हलाल हैं और हराम है, और पान खाना हराम है हलाल है, सिगरेट पीना हराम है हलाल है। यहाँ मुराद अल्लाह के रसूल ने कि शरीयत मुतलका ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह के रसूल के बाद अब कोई हक नहीं रखता, कोई भी ये हक नहीं रखता कि किसी हराम को हलाल करे और किसी हलाल को हराम करे। और जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ने गुफ्तगू नहीं की उनके बारे में तुम भी गुफ्तगू ना करो, तुम भी खाम खा उन चीज़ों पर फतवे न लगाओ, क्योंकि खुदा की दी हुई आसानियों को लोगों को ख़त्म नहीं करना चाहिए। जिन चीज़ों के बारे में शरीयत खामोश है, अल्लाह के रसूल ने बात नहीं की हुई, आप उनके बारे में हलाल और हराम में फजूल चीज़ें ऐड न करो। बदकिस्मती से कुछ पीरों फकीरों ने, कुछ उलमा ने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से मुस्लिम उम्मा पर यह आफत ढाई हुई है कि बेशुमार मिक्सअप हो गया है, और ऐसे हराम जिनका तसव्वुर भी नहीं हो सकता उनको हलाल कर लिया है, और ऐसे हलाल के जो मुसलमानों में सहूलत पैदा करते थे उनको हराम कर दिया अपने नए नए मसाइल से। इसके लिए बहरहाल आपको एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज को जाना पड़ता है। अगर आप ये चाहते हो कि हलाल मुतलिक को हराम मुतलिक को देखो, तो फिर आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा कुरान खुद रोज़ पढ़ना ही पड़ेगा।
اور ایک آدھ کتاب حدیث جس بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مسند امام احمد بن حنبل ہو یا مسند امام الحرمین ہو یا مسند اہل بیت ہو، آپ کو تھوڑا بہت براہ راست نالج اپنے اس مذہب کے رسوخ کو حاصل کرنا ہوگا تاکہ فالتو لوگ آ کے آپ کے حرام و حلال میں شرکت نہ کرے اور آپ کا ذہن بوجھل نہ کرے۔ خاتون حضرات، اللہ کی ایک عادت ہے مکس اپ نہیں پسند کرتا، وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کہ آپ کہو جو حرام ہے نا اس کا ہر ذرہ حرام، جو حلال ہے اس کا ہر ذرہ حلال۔ مگر بعض اوقات بڑی فنی سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ اب بہت ساری ایسی ادویات ہیں جن میں شاید لحم الخنزیر بھی استعمال ہوتا ہو یا اس کی فیٹس استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ فیٹس جو ہیں کسی پودے سے بھی مل جاتی ہیں، تو ساری دنیا ایک مکمل وجود ہے جسے آپ خنزیر کہتے ہو۔ یعنی آپ قرآن پڑھو، بعض اوقات بڑا مشہور تھا کہ خنزیر کا نام لینا بھی حرام ہے، مگر قرآن پڑھتے ہوئے جب آپ اس کا نام پڑھتے ہو تو پھر کیا سوچتے ہو گے؟ آپ جب قرآن پڑھتے ہو اس کا نام آتا ہے تو کیا آپ قرآن پڑھنا بند کر دیتے ہو؟ یہ وہ مسائل ہیں جو از خود تخلیق کیے گئے ہیں، ان کا شرع کے ساتھ کوئی تعلق۔ جب پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ چار چیزیں میں نے مطلق حرام کر دی، یہ ایک ریجڈلی ایک تقاضا تھا کہ چار چیزیں میں نے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ حرام مطلق ہیں، مگر جس کا ذکر اللہ نے کر دیا، مگر اگر جان اس تراب میں چلی جائے، اگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، تو خدا کے نزدیک انسانی جان کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور اتنا وقار ہے اللہ کے نزدیک انسانی زندگی کا کہ اگر جان اس طرح میں چلی جائے اور چارہ کوئی نہ رہے تو بقدر ضرورت ان چار حراموں سے بھی استعمال۔ اللہ نے کہا فلا اسم علی، تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر تم مجبور ہو جاؤ اور جان اضطراب میں چلی جائے تو پھر اگر تم ضرورت کے مطابق ان حرام مطلق چیزوں میں سے کچھ لے لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، میں تم سے مواخذہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے ایک بہتر چیز کی حلت کے لیے، یعنی زندگی کی حرمت کے لیے اور اپنی زندگی کو حلال رکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا تم نے لے لیا ہے تو میں تم پر گناہ عائد نہیں کروں۔ خادم حضرات، ان کے علاوہ آپ اتنی متعدد شکلیں حلال و حرام کی دیکھتے ہیں جس کا ہم نے کبھی خیال نہیں کیا۔ سپوز آئی ایم سپوز ٹو ڈو مائی ڈیوٹی ایکٹیولی کیئرفلی، اور میں اس ڈیوٹی کو اتنی کیئر سے نہیں کرتا، بقدر استطاعت نہیں کرتا، بقدر صحت نہیں کرتا، تو مجھے لگتا ہے کہ میں ایک غلط کام کر رہا ہوں، یہ کار حرام۔ میں آپ کو لطیفاتن تو نہیں، بڑی یہ سیڈ سی مسٹیک تھی کہ میں روز گزرا کرتا تو میں نے دیکھا کہ دو ماشاء اللہ ہمارے سپاہی جوان جو کھڑے تھے گورنر ہاؤس کے سامنے، وہ میرا ڈرائیور بھی تھا، وہ بھی ایکس فوجی تھا، ایک بندوق کو الٹا کر کے اس کے کو پائدان سا بنا کر اس پہ اپنے بڑے آرام سے نشست لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بندوق الٹی کر کے اس کا دستے پر اپنے آپ کو متمکن کیے ہوئے تھے دروازے کے اوپر۔ اس وقت بڑا خطرہ تھا، ہر روز کو دن میں 15-16 دھماکے ہو رہے تھے۔ دوسرے صاحب جو تھے انہوں نے گیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے بڑی حسرت و یاد سے شاید اندر کا کوئی باغیچہ دیکھ رہے تھے، تو میں نے گزرتے ہوئے میں نے کہا سرور یار مجھے لگتا ہے کل یہاں حملہ ہو جائے گا۔ کہتا جی کو خدا خدا کرو، اگے تھوڑے پہ ہوں دیر۔ میں نے کہا یار یہ جو میں نے حالت دیکھی ہے نا ان کی، اپنے نگرانی کرنے والوں کی، اس سے تو لگتا ہے اس سے زیادہ مجھے ایزی ٹارگیٹ نظر کوئی نہیں آ رہا۔
خادم الوزراء اتفاق دیکھو آپ اپنی زبان پیلی کالی نیلی اور سفید ہوتی ہے, اس کے اگلے دن ہی اٹیک ہو گئے اور بہت بڑا اٹیک ہوا گورنر ہاؤس کے پاس. تو مجھے بار بار یاد آ رہا تھا کہ از اٹ پاسبل کہ اٹ واز بیکاز آف دیٹ لیک آف پراپر وجیلنس آن دا پارٹ, واز اٹ بیکاز اگر وہ ایکٹیولی ہو رہے ہوتے اور ان کو دیکھنے والا ایک دشمن سمجھتا کہ ایٹ لیسٹ دا پکٹ ہیئر از ویری ایجائل ویری اسمارٹ ویری واچ فل, تو شاید وہ حادثہ بچ جاتا. یہ آپ کے بس میں ہوتا ہے اگر یو آر سلیکنگ, مگر مجھے آپ کی بھی مجبوری پتا ہے کہ فلاں اسماعیل ہے کہ آپ پر گناہ کیوں نہیں. اگر آپ 18-20 گھنٹے اگر وداؤٹ ود فٹیگ آپ ڈیوٹی دو گے تو پھر آپ کا قصور مجھے کم نظر آتا ہے. اونگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کوئی کتنا خبردار رہ سکتا, ٹوٹے ہوئے جسموں کے ساتھ کوئی کتنا ایکٹیو رہ سکتا ہے, مجھے پتہ ہے. مگر میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بقدر استطاعت اگر کوئی شخص جو ہے ایک اپنا رزق حلال کرنا چاہتا ہے تو ایٹ لیسٹ ہی شوڈ اسٹے الرٹ فار دی ٹائم. وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رزق کی اس لمٹ تک حفاظت کر سکتا ہوں, پھر اگر کوئی کمزوری آ جائے تو فلاں اسماعیل ہے, خدا معاف کرنے والا ہے. پروردگار عالم نے, ویسے تو آپ اولیاء اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں, سارے پولیس فورس ہو سکتے ہیں, بلکہ جتنا ان کے لیے ولی ہونا آسان ہے ہمارے لیے کوئی خاص آسان نہیں ہے. مگر ہے کہ چار خصلتیں اپنانی پڑیں. وہ بڑی مزے کی ہیں, سادہ سی شاید مشکل نظر آئیں. ایک تو امانت کی حفاظت, ویسے بھی میرا خیال یہ ہے کہ پولیس ہوتی ہے امانت کی حفاظت کے لیے, مگر ہے بڑے تعجب کی بات, کبھی میں خبر پڑھتا ہوں نا جی ادھر, تو اس کے اوپر عنوان آتا ہے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. اب کیا ہوا, اتنا بڑا حادثہ کیوں ہو گیا کہ ابھی کچھ لوگ باقی. نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ایک پولیس آفیسر نے امانت لوٹا دی. آئی ویری گڈ, میرے دل سے بڑی ہنسی نکلتی ہے. اب یار ایسی کم بختی ہے, یعنی اتنی بے اعتباری ہے کہ اگر ایک پولیس آفیسر امانت لوٹاتا ہے تو اوپر ٹائٹل یہ نہیں آتا کہ اس کا فریضہ, اور ہر پولیس والا ایسا ہے لکھا ہوتا ہے ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. کتنا عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا ریئر چانس ہے کہ پولیس کبھی امانت نہیں لوٹاتی, مگر ایک آدھ پولیس آفیسر اچھا نکل آتا ہے اور اس کے اوپر لکھا جاتا ہے فلاں پولیس آفیسر نے بٹوا لوٹا دیا, بکسہ لوٹا دیا. خادم حضرات, یہ بڑے صدمے کی بات, یہ بڑے صدمے کی بات. اور میرا خیال یہ ہے کہ آئی ووڈ آلویز سے کہ پولیس آفیسر کین بی ویک بٹ ہی از ناٹ اے کریمنل, ناٹ ایٹ آل. وہ اس قسم کی بات میں شریک ہونا, وہ ایمان کے الٹ چلنا, ڈیوٹی نہیں بلکہ اپنے ایمان ہے. ایک پولیس آفیسر ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے, اس سے خیانت کا امکان ممکن ہے, مگر امانت کی سٹیبلٹی میں نقص ممکن نہیں ہے. ہونا چاہیے تھا کہ اگر ایک آج پولیس والا غلطی کرتا تو اخبار میں خبر ایسی آنی چاہیے تھی کہ یہ حادثہ بھی ممکن ہے. خبر یہ آنی چاہیے تھی کہ یہ حادثہ بھی ممکن ہے کہ ایک پولیس آفیسر بھی ڈس آنیسٹ ہو سکتا ہے. مگر یہ خبر بڑی عجیب لگتی ہے مجھے اخباروں میں کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں. تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ جاتی ہے. خادم حضرات, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آ رہا ہے, اور اگر آج دیکھو تو آپ کو وقت نظر آتا ہے کہ لوگ کہیں گے وہاں ایک شہر ہے, اس شہر میں ایک بازار ہے, اس بازار میں ایک گلی ہے, اس گلی میں ایک مکان ہے, اس مکان میں ایک ایماندار بندہ رہتا ہے. یہ حال ہو جاتا جب قومیں زوال پذیر ہوں, حلال و حرام کی تخصیص اٹھ جائے. ایمانداری اتنی ریئر چیز ہے کہ رسول اکرم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ پھر ایک شہر کی مثال دی جائے گی, وہ اتنا نمایاں ہوگا. شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ فاسق پہ نیکی اس طرح آتی ہے, بڑی نمایاں ہو کے آتی ہے,
कि एक पूरी स्याह चादर पे अगर एक छोटा सा सफेद दाग लग जाए तो कितना नुमाया हो जाता है, कितना शानदार लगता होगा, सबको दूर से नजर आ जाए। इसी तरह ईमानदार की चादर अगर सफेद चादर पे एक काला धब्बा लग जाए तो खातिन हजरात बड़ा नुमाया हो जाता है। हलाल और हराम की दास्तानों में ये आप अच्छी तरह याद रखिए कि जिस शहर में आप दाखिल होंगे आपके एक वाक्य से जो जरा सा गलत लेंगे, नौशीरवान आदिल की तरह कि जब उसका लश्कर एक जगह से गुजर रहा था तो उसके एक सिपाही को एक बुढ़िया ने एक मुर्गी दी, बादशाह को पता लगा, उसने उसको फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसे नहीं वो आदिल मशहूर हुआ, उसको कहा ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, एक मुर्गी तो थी भी वो वॉलंटरीली दी गई थी, आपने ये क्या किया? उसने कहा नहीं, आज इसने वॉलंटरीली दी है, कल ये छीनेगा, मेरा पूरा लश्कर फिर मुर्गियाँ छीनेगा, और फिर वो अदल व इंसाफ के आखिरी दिनों। खादिन एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, ये बैतुल मुकद्दस जब पहली दफ़ा फतह हुआ तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिक्वेस्ट की बतरीक़ आज़म ने कि ये जो हैं ईलिया उसको कहते थे उस वक्त, हम आपके हाथों देना चाहते हैं। तो वो इसको देखने के बाहर निकला है, बाहर निकला है कि अमीर अल-मोमिनीन आ कैसे रहें। इत्तफाक ये देखिए कि अमीर अल-मोमिनीन ने अपने ग़ुलाम के साथ शर्त रखी हुई थी कि आधा सफ़र तू ऊँट पे करेगा, आधा मैं करूँगा, मैं थ्रू आउट नहीं ऊँट पे सफ़र करूँगा। दोनों ने बारियाँ बांटी हुई थी। तो जब वो बैतुल मुकद्दस के करीब पहुँचे तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बारी पैदल चलने की थी और वो उसकी मुहार लिए चल रहे थे और ग़ुलाम ऊपर बैठा हुआ बड़ा कसमसा रहा था कि अब शहर करीब आ गया है, लोग आएंगे, और वो बार बार कहता कि अमीर अल-मोमिनीन नहीं नहीं आप मुझे उतरने दें, आप बैठें। तो उनका नहीं, बारी पूरी हो। इतने अरसे में बतरी के आज़म निकला है, उनका चीफ पादरी, तो वो ग़ुलाम वो ऊपर नहीं गया, वो सीधा उधर ही गया, अमीर अल-मोमिनीन की तरफ गया और उनसे कहा कि आप उमर बिन ख़त्ताब अमीर अल-मोमिनीन हैं? तो उनका हाँ मैं हूँ। तो कह रहे तुमने मुझे कैसे पहचाना है? तो उसने कहा कि अमीर अल-मोमिनीन हमारी किताबों में अलामत लिखी आई है कि बैतुल मुकद्दस को वो फतह करेगा जो अपने ग़ुलाम के साथ इस तरह आएगा कि उसका ग़ुलाम सवारी पे होगा और वो पैदल चल रहा। तो खादिम हजरत हजरत अमीर अल-मोमिनीन जब फतह हो गया तो उन्होंने कलीसाए आज़म में जो बैतुल मुकद्दस करा वहाँ से चलते हुए हज़रत अमीर अल-मोमिनीन को फरमाया कि आप दो रकात नमाज हमारे कलीसा में अदा कर। हज़रत उमर ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वो बड़ा आज़ुर्दा हुआ क्योंकि जो भी वहाँ तकसीम हुई थी, जो मुआहदा हुआ था, उसके तहत बड़े भाईचारे की फ़िज़ा के मुसलमानों ने कोई जबर नहीं किया, कोई सितम नहीं किया, सब लोगों को खुली इजाज़त थी, इबादत गाहों का एहतराम लाजिम था। तो उसने कहा, फिर कहा अमीर अल-मोमिनीन ये मेरी और मेरी कौम की ख्वाहिश है कि आज तक हमें इतने अच्छे लोग नसीब ही नहीं हुए ज़मीन पर जैसे आप हैं, तो आप ज़रूर दो रकात अगर चाहें तो यह हमारे यहाँ भी अदा। आपने फिर बयान नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो रो पड़ा, उसके आंसू निकला। तो उसके आंसू तो उसने कहा अमीर अल-मोमिनीन क्या आप हमारे मज़हब को इतना बुरा समझते हैं? क्या हम लोग इतने बड़े मुशरिक को काफिर हैं कि आप हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट भी नहीं कबूल करते? यह हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जो तमाम की तमाम हिस्ट्रीज में लिखा हुआ है। तो उस वक्त अमीर अल-मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब का एक जवाब सनद हो गया कि मैं ये बात नहीं है कि मैं तुम्हें बुरा समझता हूँ या तुम्हारे मज़हब को बुरा समझता हूँ, हमें ये सबक नहीं सिखाया गया है। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि ये ना हो कि मेरे पीछे मेरा लश्कर, मेरे लोग इसको मेरे तरीक़ाकार को समझते हुए वो आपकी मसाजिद में मुतवातर दाखिल होते रहें और आपका अमन वाफियत ख़राब करें, तो मैं इस खौफ से तुम्हारी मस्जिद में ये दो रकात नहीं पढ़ रहा। खादिम हज़रात, ये अदल व इंसाफ अकेला नहीं है, इसके पीछे वो रिस्क है जो उन असहाब रसूल में आया
اور فرمایا کہ چار خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہوں. استاد بھی تو بہت بڑے تھے نا زمانے میں, پھر ایسے استاد بھی تو نہیں نہ آئے. وہ ایک سنگولر ٹیچر تھے, پوری کتاب ٹیکسٹ قرآن جب لے کے آئے اور پڑھایا, مگر لگے 22 برس ان سادہ سے عربوں کو, جاہلان مطلق کو ہمارے سردار بنتے ہوئے. اصحاب رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں خاتم, کوئی بھی جماعت ایسی نہیں جن کے بارے میں اللہ نے ریٹن لکھ کے دیا کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی. ایسی دنیا میں کوئی جماعت آئی نہیں خواتین و حضرات جن کے بارے میں ایک ریٹن سٹیٹمنٹ اللہ نے قرآن حکیم میں لکھ کے دی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے, مگر اس پہ 22 برس لگتے ہیں. ایک دن میں کوئی آدمی چینج نہیں ہوتا, رفتہ رفتہ انسانی تعلیمات کا اثر ایک دن میں نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا مرشد گرامی بھی اگر پیدا ہو جائے اور کتنے بھی کرشماتی ادراک رکھتا ہے, مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علم ٹرانسفر نہیں ہوتا. اللہ نے آپ کو ابتدائی تعلیم بخشی ہے, کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ پولیس کی سروس جو ہے علم سے آ رہی ہے. یو کین آلویز ہیو دی آپشن ٹو لرن مور, ٹو انڈرسٹینڈ مور, ٹو ڈو مور اینڈ ٹو گیٹ مور. اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو جو آپ کی تعلیمی معیار بڑھتے ہیں, جہاں دنیاوی ترقیات کے اسباب بھی روشن ہوتے ہیں, وہاں آپ کو ایک بہتر عدل و انصاف, بہتر حلال و حرام کی تلقین ہوتی ہے, اور آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو مزید خطرات سے بچا لیتے ہیں. تو دوسری, اس سارے لگتا ہے آپ کے بارے میں حدیث ہے, سچ بولنا مشکل ہے, مگر سچ بولو نہ بولو ایسے ہی خیال ہے کہ پولیس والے سچ نکالنا ضرور جانتے ہیں. اور میرے ایک بڑے چونکہ اس سروس میں میرے بہت سارے دوست گئے اور بہت سارے دوست ریٹائر ہوئے. ایک وقت تھا کہ ساردا اکیڈمی میرے 7 آفیسر گئے اور وہ سارے کے سارے آئی جیز بن کے اب ریٹائر ہو گئے, اینڈ فی الحال بھی میرا خیال ہے سروس میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسے ایسے افسر موجود ہیں کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں, ایسے ایسے افسر بھی موجود ہیں. اور میں جانتا ہوں تھوڑا سا آپ کے آئی جی صاحب کو, ہی از اے ویری ویری ویل کمیٹڈ آفیسر, جو جس کی میری دل میں اس لیے پرسنل تعریف ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بھی پیشکش کو صرف اپنی کمٹمنٹ اور آنیسٹی کی وجہ سے ٹھکرا دیتے ہیں, اینڈ وچ از سچ اے گڈ آفیسر اپ دیئر. آئی ایم ویری شیور کہ آپ میں سے ہر بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اس کی غلط تعریف کی ہے. ہو سو ایور نوز اباؤٹ ہز سینس آف جسٹس اینڈ اتھارٹی, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بڑی ایک اعلیٰ کمٹمنٹ کا آفیسر ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک صوبائی گورنمنٹ والوں نے کہا کہ آپ آئی جی پنجاب بن جائیے, تو ہی ٹوٹلی ریفیوزڈ. اس نے 2-3 مرتبہ کہا, انہوں نے ریفیوز کر دیا. تو آخر انہوں نے کہا, بھائی جی ایسی مصیبت کیا پڑی, آپ کیوں ریفیوز کر رہے ہو؟ کہا میں نے تو وہ کرنا ہے جو کتاب اور قانون کے مطابق, مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات چیت نہیں مان سکتا, اور صاف ریفیوز کر دیا. مگر حیرت کی بات ہے کہ جس چیز کو انہوں نے ریفیوز کیا وہ پھر خود بخود بغیر کسی بوجھ کے ان کی طرف پلٹ آئے. یہ خدا کا کرنا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ ایک چیز کے سفارشات یہ وہ بڑی ضروری ہیں, مگر اللہ کا کرم یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ جب آپ ریزسٹ کرتے ہو, خدا کے لیے ریزسٹ کرتے ہو اصول کے لیے, تو وہ نعمت آپ کو بغیر خوف و خطر کے لوٹا دی جاتی ہے. اور میں تیسرا حسن اخلاق, بدقسمت یہ سوال جب تک سکھائی نہ جائے پولیس از ویری شارٹ آف اٹ. یہ وہ زبردستی کمپین ہو, مہم ہو, جہاں کہ یہ ہفتہ خوش اخلاقی منانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے کے آگے پیچھے کوئی اخلاق نہیں ہے, کوئی خوش اخلاقی نہیں ہے, بس اس ہفتے میں آپ ہمارے قریب بھی آ سکتے ہو, اچھی بات چیت بھی کر سکتے ہو, اس ہفتے میں گارنٹی ہے کہ پولیس خوش اخلاق رہے. یہ کوئی عجیب سی بات.
और ये को रसूमात हमें मेरा ख्याल है ट्रेनिंग में नहीं मिली, बाहर से सौगात आई, बाहर से ऐसे हफ्ते बड़े आते हैं, वैलेंटीन का हफ्ता आ गया, वो कोई खुश इखलाकी का मदर्स डे आ गया। अब आप देखो कि हम अहमकाना तौर पर इन रसूमात को कबूल कर रहे हैं, ये मदर डे आ गए भाई। हमारे मुआशरे में तो माँ पैदाइश से लेके मरने तक काबिल एहतराम रहते हैं। अब उस मुआशरे से ये डे आता है कि जिस मुआशरे में माँ बाप वेयर हाउसेज में पड़े होते हैं और वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं किसी बेटे में एक खाता आ जाए ना उन हाउसेज में, माँ बाप को सारे मिल जाते हैं और ख़बरें देते हैं आज इसके बेटे का खत आया है, इसके बेटी का खत आया है, और वो दिन ईद का दिन होता है उस हाउस में, ओल्ड हाउसेज में वो ईद का दिन होता है जब किसी बेटे का खत आ जाता है किसी माँ बाप को, फिर खुशियाँ मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और ख़ातिन हज़रात हमारे माशरे में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे मुआशरे में माँ अच्छी हो बुरी हो अव्वल व आखिर माँ रहती है, और उसके तकद्दस उसके एहतराम तो एक मज़हब की तुम्हारे हमारे दिल में जागजी होता है। किसी बेटे को इतना मैंने यानी मुतासर देखा नहीं है जितना उसकी माँ का जिक्र आए तो वैसे तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अब इस मुआशरे में हफ्ते मनाने की क्या ज़रूरत होती है, देखो खुश इखलाकी का हफ्ता ही है, जब हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सौगात मिली हो, हुस्न इखलाक का हुक्म मिला हो, तो हमने अपने अगर अल्लाह और रसूल के लिए खुश इखलाक नहीं होना खातिनों हज़रात, तो फिर हफ्ते की खातिर क्या खुश इखलाक होना होता। तो आई थिंक दिस शुड बी इनकल्केटेड राइट इन द ट्रेनिंग हाउसेस कि ये हमारा कोई सरकारी फ़र्ज़ नहीं है कि हम खुश इखलाक। मुसलमान का इखलाकी मज़हबी फ़र्ज़ है कि वो खुश इखलाक, अगर वो खुदा को जवाब दे हो उसको ज़रूर खुश इखलाक होना, उसको ज़रूर खल्क की मोहब्बत में मुबतला होना, वो ज़रूर लोगों की आसाइश के लिए काम करेगा। अब तो हमारे यहाँ कैटेगरीज बन जाती है, इंसाफ की कैटेगरी, हलाल आराम की कैटेगरीज, हालांकि मुसलमान की सारी ज़िंदगी एक रंग में डला। आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाओ, मेरा भाई अमेरिका में होता था, रोज़ उसने अमेरिकी सोसाइटी के बड़े बड़े कसीदे पढ़ने थे, हर मरतबा क्या तुम यहाँ आए नहीं हो, इतनी बड़ी कौम है, इतनी महजब कौम है, इतनी मुअज्ज़ज़ कौम है। मैं कहता यार वक्त आएगा तो देख लूँगा, हमारी कौम भी कम नहीं है, उन्हीं की वजह से बिगड़ी हुई है। उस पर वो बड़ा गुस्सा खाता था, कहता तुम नहीं तुम मुतासब लोग हो, जब तक वो अमरीका आ नहीं जाता वो सब क्या पता लगता है। मैंने कहा अच्छा अगर अल्लाह ने कभी मौका दिया तो हाजिर साहब वो बाद में बताऊँगा कि अमरीका क्या मैंने देखा, मगर पहले बताऊँगा 8 घंटे के लिए न्यूयॉर्क की बिजली चली गई थी। तो बिजली क्या गई, $132 का बहरान पेश आया, कुछ सैकड़ों जो थे वो अपना केसेस हुए रेप के और चोरी चकारी का, सारा न्यूयॉर्क लुट गया, अंधेरी मच गया, बहुत हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि गरीब आदमियों ने नहीं चोरी की, महज़ब अमेरिकन चोरी करके ले गए। एक बड़ी सारी तस्वीर, आखिर पुलिस को बेचारे को वक्त उठाना पड़ा, बड़े लोगों को पकड़ा, तो उन्होंने एक बड़ी महज़ब खातून को पकड़ा जो बड़ी अच्छी अकाउंटेंट थी, वो एक पेंटिंग लिए भाग रही थी। तो उसे पूछा बीबी तू तो इतनी डिसेंट है, इतनी कल्चर्ड है जितना अमेरिका पूरा है, तो आखिर ये क्या कमाल है, तू क्यों चोरी करके भाई। उसने कहा चांस ही आज मिला था खातिन आजाद, उनको चांस ही मिला था। 8 घंटे वो जो जबरी डिसिप्लिन था और वो कानून की मोहब्बत ही सारी रुखसत हो गई थी 8 घंटे। इधर हमारी तरफ देख लो 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है, हमारे यहाँ तो ये हादसात नहीं होते जी। मैं कह दूँ अगर कौमों का तशख्स देखना हो खादिन हजरात, बखुदा हम उनसे 1000 दर्जे बेहतर कौम है, इसलिए कि वो सिर्फ कानून की सख्ती के तहत बिहेव करते हैं, हम अपनी तबी इखलास के तहत बिहेव करते हैं। हमारी बुराइयाँ हमारे ईमान की बुराइयाँ, हमारी बुराइयाँ कानून की नहीं है। जब हमसे खुदा और रसूल का रिश्ता छूटता है तो फिर हम हलाल और हराम के कायल होते हैं।
अगर हम अल्लाह और रसूल के साथ वाबस्ता रहें, अपने माँ बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में होती है, हमें बाहर से कोई नहीं सिखाने आ सकता। अंदाज़ा करो, जिस पैगंबर ने कहा हो कि सफाई निसफ ईमान है, उसकी उम्मत क्या करती फिरती है? अपने घर को साफ करके हमसाये के सामने सारा कूड़ा करकट डालती है, सारा। अगर वो मुसलमान होते तो पहले हमसाये की दहलीज साफ करते फिर अपनी करते। हमारे इस्लाम खतरे में ज़रूर है, इखलाक खतरे में ज़रूर है, हमारी अकाउंटेबिलिटी खतरे में ज़रूर है। और अगर ये ना हो तो, और अगर ये ना हो तो यकीन जानिए खातिन हजरात, आप इस हदीस पे के पर पूरा उतरें। यह हदीस बशारत है मेरे लिए, आपके लिए, हर कारकुन के लिए। फरमाया ए साद, हजरत साद बिन अबी वक़ास को फरमाया कि ए साद तू अपना खाना पाकीज़ा हलाल फरमा ले, बना ले। ये नहीं कहा कि तू नमाजें बड़ी पढ़, रोज़े ज़्यादा रख, तहज्जुद में इस्तादा हो, ये नहीं कहा खातिन हजरात। फरमाया ए साद तू अपना खाना पाकीज़ा हलाल बना ले, फिर तू मुस्तजाब दुआ हो जाएगा, अल्लाह ताला तेरी हर दुआ। कैसा अजीब लगता है कि लोग, आप ड्यूटी पे खड़े हों और लोग आपके पास आए तो वह कहें इंस्पेक्टर साहब जरा दुआ फरमाइए ना, मेरा भाई बीमार है वो ठीक हो जाए। तो आपको हिजाब तो आएगा ना, आपको हिजाब तो आएगा ना, है तू मेरे पास जा, पीर फकीर के पास जा, मगर रब्बे काबा की कसम है कि ये हदीस दुरुस्त है। अगर आपका खाना पाकीज़ा और हलाल है तो आपके मुंह से निकलती हुई दुआ कबूल होगी, और परवरदिगार आलम आपके वली को चार छः नहीं होते, वली दो होते हैं, अल्लाह के और शैतान के, दो सिर्फ वली हैं, बाकी कोई तीसरा इंसान ज़मीन पे मौजूद ही नहीं है। अल्लाह वली उल्लज़ीन आमनू युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलमाति इलन नूर वल्लज़ीन कफरू औलियाउम अत्तागूत युख्रिजूनहुम मिनन नूर इलज़्ज़ुलमात उलाइका असहाबुन नारुम फिया खालिदून। दो किस्म के बंदे दुनिया में हैं, एक जो खुदा के मरव्वत और मोहब्बत से तारीकी से नूर को जा रहे हैं, और दूसरे जो शैतान के वली हैं वो नूर से रोशनी से अंधेरे को बढ़ रहे हैं, और तीसरा कोई वली नहीं। हर मुसलमान का विलायत इलाहिया पे हक है, हर मुसलमान का, मगर असूल कितना साज़ है जी, असूल तो देखो, सर्विसेज में काम आएगा, ड्यूटी पे खड़े खड़े बाज़ूकात आपकी नमाज भी जाती है, आप गिल्टी फील करते हो, मगर ये देखो ये कितना सादा सा असूल है। ऐ साद तू अपना खाना पाकीज़ा और हलाल बना ले, फिर तू मुस्तजाब दुआ हो जाएगा। कि ज़रा आगे वार्निंग भी है थोड़ी सी, वो भी सुन लो, इसी पे मैं इख्तिताम करता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितना टाइम ले गया हूँ। फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा हराम माल का एक लुकमा अपने पेट में डाले तो 40 दिन तक उसकी कोई उसका अमल कबूल नहीं होता, और जिस आदमी का गोश्त हराम माल से पैदा हुआ हो और बड़ा हो फिर आग ही उस गोश्त के लिए बेहतरीन रिस्क होती है। ये तो छोटी सी ज़िंदगी है, मुसाफिर खाना है, पता नहीं कितनी दूर से हम आ रहे हैं, कितनी दूर आगे जाना है। अब तो साइंसदान भी कहते हैं कि इनडिस्ट्रक्टेबल है ह्यूमन लाइफ, पता जी अभी क्या मैं आपको लेटेस्ट सुनाऊं तो आप हैरान ही हो जाओगे। साइंसदानों की दो चार स्टेटमेंटें अब अल्लाह के मज़हब के इतने करीब आ रही कि हैरानी होती है कि खुदावंद करीम के हर लफ्ज़ की सच्चाई कितनी गहरी है और हमारे रसूल के लफ्ज़ों की सच्चाई कितनी गहरी। अभी साइंसदानों ने कहा है कि 3 और 4 महीने के दरमियान बच्चा जब होता है तो वह पूरा इंसान मुकम्मल हो जाता है। 3-4 महीने में जब बच्चा होता है तो उसी वक्त इंसान मुकम्मल हो जाता है, एक पूरी रिसर्च है। और खातिन हजरात अगर आप गौर करें
तो इसका मतलब वही हदीस है जो रसूलुल्लाह साहब ने फरमाई कि 420 दिनों के बाद रूह जो है बतन इंसान में ढला, तभी पूरा होता होगा। अगर उससे पहले बच्चा पूरा नहीं ना हो सकता। वही बात की तस्दीक साइंसेस कर रही हैं कि 120 दिनों के बाद या 3 या 4 महीनों के अंदर इंसानी बच्चे के जिस्म में रूह उतर आती और रूह पे उस पर सारा कुछ लिखा होता है, ये शकी है, सईद है, हलाल खाने वाला है, हराम खाने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यालमु मुस्तकर्रहा व मुस्तौदहा कुल्लुन फी किताब मुबीन। कि उस लोहे महफूज से रूह पे वो रिकॉर्ड उतर आता है, कहाँ जाना है, क्या नौकरी करनी है, क्या इंसाफ करना है, क्या बेइंसाफी करनी है, तमाम अमाल की लिस्ट उसके नामा अमाल से उतार कर लोहे महफूज से उसके जुनैन में रख दी जाती है। और यही वक्त है कि साइंसदान कहता है बच्चा मुकम्मल हो जाता है। और खादिन हजरात, ये जो अल्लाह ने कहा कि ये जो तुम्हारे किरामन कातबीन हैं, ये जो तुम्हारे महावस फरिश्ते हैं, ये हर चीज़ तुम्हारे बारे में लिखते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, इधर से हर लफ्ज़ की, हर अमल की वीडियो। ये ना कोई लफ्ज़ ज़ाया होता है ना अमल ज़ाया होता है। अभी आप देखिए अजीबोगरीब बात, साइंसदान क्या चक्कर चला रहे हैं, कहते हैं कि नो बिट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड। जो कुछ भी मुंह से निकला, जो अमल हुआ, टोटल महफूज है। और कायनात में इसका नाम उन्होंने क्लाउड रखा है, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन उस क्लाउड में महफूज है। अब वो ये चाह रहे हैं, ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि उस क्लाउड से अपने हिस्से की जितनी इंफॉर्मेशन है वो वापस ले। क्यों कहते हैं पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हुआ, किन लोगों का डाटा लेना है, एक एक जर्रा हयात हम वहाँ से क्लाउड से निकाल लेंगे और उस बेसिक इंफॉर्मेशन स्टोर से हम सारा कुछ हासिल कर लेंगे। क्योंकि देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग विच इज़ वेस्टेड इन दिस कॉस्मॉस। और खादिम हजरात, आखिर में मैं दुआ कर सकता हूँ अपने लिए, आपके लिए, कि हम अहमियतों को फैसला करें। क्योंकि छोटी चीज़ों पर फैसला नहीं होता, हमें एक बुनियादी अहमियत का फैसला करना है। बंदगी किसकी है, वास्ता किससे है, ताल्लुक़ किससे है, क्या वाकई हम खुदा को खुदा जानते हैं, क्या वाकई हम अपने रसूल को रसूल जानते हैं। तरीका तो वो है, और सारी दुनिया मिलकर सिर्फ एक कोशिश कर रही है। सारी दुनिया, सेकुलर, कम्युनिस्ट, यूरोपियन, डेमोक्रेट, नॉन डेमोक्रेट, सारी एक कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश क्या है खातिन हजरात, कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये सारी दुनिया हमारे पीछे है ना, मशरक़ को मगरब से जो चढ़ाई हो रही है, हमारे बातिन पे हमला आवर हो रहे हैं, लीडरों पे हो रहे हैं। हम वो मसाकीन हैं जो सारी दुनिया, जिनको सऊदी अरब भी हमें मस्कीन और रफ़ीक ही कहता है, अच्छा मुसलमान हमें बहुत गरीब समझता है। ये सारे मिलकर सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। और हमारी दुआ ये है खातिन हजरात कि खुदावंद करीम अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत को हमारे दिलों में हर चीज़ से बढ़कर पैदा करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, उस दुआ का अपना हुस्न है कि अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत शिद्दत गर्मा में ठंडे पानी की तलब से भी ज़्यादा कर दे। है ना खूबसूरत दुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इतने खूबसूरत होते हैं बाज़ुकात के बड़े से बड़ा अदीब भी उसका जवाब नहीं दे सकता। अब इसी में देखिए क्या खूबसूरत मिसाल दी है, फरमाया कि अल्लाह मेरे दिल में अपनी मोहब्बत इतनी ज़्यादा कर दे जैसे शिद्दत गर्मा में ठंडे पानी की तलाश होती है। फिर फरमाया
کہ اللہم انی اعوذ بکا من دعا الا یسمعو، اے اللہ میں اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو تو قبول نہ فرمائے. ویخش اللہ تشبو، اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرے نہیں. ونفس اللہ تشبو، اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں، اس وجود سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی بھوک سے سیر نہ ہو. وعلم اللہ ینفو، اور اس علم سے پناہ مانگتا ہوں خواتین و حضرات جس میں نفع نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس گفتگو سے نفع پہنچائے، اور پروردگار عالم ہمیں اپنے واپسی ہم پر اپنی واپسی کا راستہ بند نہ کرے، اور جب بھی ہم خطا و نسیان کو محسوس کریں ہم اس کے حضور حاضر ہو سکیں، اور دل شکستگی کے ساتھ اور نم آنکھوں کے ساتھ ہم اس سے اپنی مغفرت طلب کریں، اور وہ ہمیں ہمارے رسول کی خاطر بخش دے. اللہم آمین. اینڈ تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. یہ بڑا سمپل سا کوشچن ہے، اگر آپ بھی غور کریں پہلے، مگر اس سوال کو ہمیں خدا کی طرف سے دیکھنا ہوتا ہے. اور دیکھیں، ہم اپنی ہائی پلاننگ، ہم اس کے کہتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں میٹیکولسلی پلانڈ، ہر چیز ڈیٹیل میں پلان کی گئی. جب پروردگار عالم نے انسان کو بنانے کا فیصلہ کیا، پہلے دیکھیں اس کی نیت کیا تھی، تو اس نے کہا کن تو کنزن مخفین ما احببت ان عرفا فخلقت الخلق لیعرفونی، کہ جب میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ آشکار ہو جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اس میں ایک دوسری حدیث میں لفظ ہے خلقت محمدا، تو میں نے محمد کو تخلیق کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تخلیق انسان کا ارادہ کر لیا، یہ پوری کائنات بلٹ ہوئی. کائنات اس لیے بلٹ ہوئی کہ اس کے اندر ایک لائف بیلٹ کریٹ کرنی تھی، جہاں زندگی کا امکان ہو، پھر اسے بیلنس کرنا تھا. جیسے خدا بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے بغیر ستونوں کے بنائی، تو بغیر ستونوں کا مطلب ہے کہ یہ معلق کائنات اتنے پیچیدہ مکینیکل اصولوں پہ بنائی گئی کہ اس زمین کو اس نے اس پورے میکانزم میں بغیر آسرے کے تخلیق کیا. ورنہ آپ یقین جانو کہ اگر ہماری لوکل قسم کی آرکیٹیکچر استعمال ہوتا تو اس وقت سورج کا سا لمبا سا ستون لگا ہوتا 9 کروڑ میل کا، اور زمین اس سے ٹنگی ہوتی. مگر اس کا میکنزم، سائنسز بہت اعلیٰ و عرفا تھیں، علیم و حکیم تھا. پھر اس میں جنریشنز آف ہیومن کائنڈ پیدا کی گئی، انسان پیدا کی گئی. اب ایک بات آپ ذرا سوچ کے بتائیں کہ آپ 5 ایئر یا 10 ایئرز پلان کیوں بناتے ہیں؟ اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے مسائل کیا پیش آنے ہیں، ضرورتیں کیا آنی ہیں، رزق کتنا چاہیے، روٹی پانی کتنا چاہیے، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے پروفیشنز بنیں گے. اگر خدا یہ پلان نہ کرتا تو ابتدائے حال ہی میں انسان ختم ہو گیا تھا. آج ہمیں تھوڑا سا عقل آ گیا، ہم نے پروفیشنز دیکھے، مگر انسان اس عالم میں خواتین و حضرات 90 کروڑ سال کے بعد پہنچا ہے. ہمارا جو پہلا انسان ہمیں نظر آتا ہے جس سے مشابہت پیدا ہوتی ہے، وہ آج سے 80 کروڑ سال پہلے کی ہے. جب ہم پہلی جب جنریشن آف ہیومنس کو دیکھتے ہیں، انسان اس وقت انسان بننا شروع ہوا جب پرائمیٹس کا دور آیا، اور پرائمیٹس وہ جانور تھے جنہوں نے زمین چھوڑ کے آسمان کو اڑنا چاہا، اور انہوں نے درختوں پہ جانا چاہا. ان کو کہتے ہیں کہ ان میں ہماری انسانی پہلی مشابہت آتی ہے. پھر ہزارہا کروڑہا سال کے بعد انسان ہومو ہبائلس بنا، ہومو ایریکٹس بنا، اور اس کا دماغ کوئی نہیں تھا. حتیٰ کہ آپ میں گفتگو کا جرثومہ 70,000 سال پہلے ہے. پہلے گفتگو کا جرثومہ، آپ کے جین میں پہلی دفعہ گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے 70,000 سال پہلے. خواتین و حضرات، یہ اب اصول یہ آپ کو دیکھنے کی بات ہے کہ پہلے انسان کو نہ کھیتی باڑی آتی تھی، نہ کوئی شکار کا ڈھنگ آتا تھا، نہ اس کے پاس زندگی کا پیٹرن کوئی موجود تھا. وہ انسان کم از کم آپ کی طرح کلیم نہیں کر سکتا
कि मैं रिस्क खुद कमा रहा हूँ, कि मेरे पास ये सोर्सेज मौजूद थी, मैंने ये एक्सप्लॉइट किया, मैंने वो किया। अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक उनको नेचुरल रिस्क अता किए ताकि उनकी अफजाए। आपको पता है वो कुरान की मैं कसम खाता वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, महफूज जगह अता करने, दरख्तों से लगे हुए ऐसे फल अता करने जिसको खाकर इंसान जिंदा रहे, वो खजूर और अंजीर देना उनको, जैतून देना उनको, ये उस वक्त का रिज्क था जो अल्लाह ने इंसानों के लिए तख्ली किया। समंदरों के किनारे आबाद करके उनको मछलियों का रिज्क अता किया ताकि कोई एफर्ट किए बगैर इंसान जिंदा रहे और वो अपनी जिद्दोजहद आगे बढ़ाए। खादिम हजरात, आज जब इतनी इमेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हो गई है, 6 अरब जो इंसान या 7 अरब इंसान ज़मीन पर अपना बसेरा लगाए हुए होता है, अगर पहाड़ों से 2 अरब साल पहले यूरेनियम ना रखी जाती इस वक्त एटम नहीं बन सकता था। अगर वो सोर्सेज खुदा शुरू से ही ना रखता, अगर खुदा नए नए प्रोफेशंस क्रिएट ना करता जो आदमी समझता है मैंने किए, मैं आपको फैलेसी ये बता रहा हूँ कि आदमी ने नहीं किए, अगर आदमी करता तो शुरू से करता, आदमी के पास तो कोई ऐसी सोर्स नहीं थी। खुदा ने जूं जूं आबादियाँ बढ़ती देखी उनके मुताबिक नए नए उलूम दिए। आइए आपको मज़े की बात, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में करोड़ों लोग मरते थे, लाखों इसी तरह सेप्टिक से मर जाते थे, एंड उन्हीं दिनों में 8 साल से एक डॉक्टर तहकीक कर रहा था, एक कल्चर प्लेट पे तहकीक। एक बुढ़िया ने जोर से डबरोटी दरवाजे से बाहर फेंकी, उस डबरोटी का एक टुकड़ा उसके कल्चर प्लेट पे गिर गया। डॉक्टर जब आया अंदर तो उसने कल्चर प्लेट को दिखा है ये सारे जरासीम मर गए हैं, आखिर किस चीज़ ने मारे हैं। उसको पता लगा कि इस डबरोटी के फंगस ने मारे, ये पेंसिलिन ईजाद हुई, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन ईजाद की। खादिम आजाद किस लिए ईजाद की, उसमें उसका कमाल क्या था? अगर आप गौर करो उसमें उसका कोई कमाल नहीं था, मगर जब अल्लाह ने बेशुमार लोगों की जिंदगियां बचानी थी और फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में अल्लाह ने गैब से उन लोगों को जो मेहनत कर रहे थे, किसी को पेंसिलिन दी, किसी को माइसिन दी ताकि नस्ल इंसानी की बका मुमकिन हो सके और ज़िंदगी बच सके, ये उसी का कर। एक दफ़ा डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को अमेरिका ने दावत दी कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी टॉप टाइट लेबॉरेटरी बनाई बिल्कुल जरासीम से पाक, तो हम आपसे मिन्नत और इस्तदा कर रहे हैं कि आप आकर इधर रिसर्च करके इसका कंट्रोल संभालें। तो डॉक्टर ने बताया क्या लिखा कि अगर मैं इस किस्म की लेबॉरेटरी, शानदार लेबॉरेटरी में काम कर रहा होता तो पेंसिलिन का भी ना दरियाफ्त होती, ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी। अब खातिन आज़ाद एक सवाल बिल्कुल जायज़ है कि अगर ये सारा कुछ अल्लाह ने किया हुआ हम क्या करते, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मा बिन दाबतिन इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतहा, ऐसा कोई जी हयात नहीं है जिसको मैंने उसके माथे से नहीं थाम रखा। ये माथा क्या है? माथे में 4 ब्रेन होता है, 4 ब्रेन जो कंट्रोल करता है, ये कॉर्टेक्स ब्रेन है, 4 ब्रेन होता है, इसमें ख्याल पैदा होते हैं, डिसीशन पैदा होते हैं, तमाम आला तरीन इमोशन जज्बात और ख्यालात का सेंटर हमारा ये माथा है। इसके पीछे जो ब्रेन होता है 4 ब्रेन यानी पहला दिमाग उसको कह, दिमाग के 3 हिस्से खाली, दिमाग के 3 हिस्सों में जो सबसे आगे का हिस्सा है सोचने वाला अमल करने वाला उसको 4 ब्रेन कहते हैं। कुरान में उसने वजाहत से रखा कि हमने किसी भर्दो बशर को आज़ाद नहीं रखा हुआ, हम सब को उसके माथे से थामा हुआ, इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतहा, हमने उसको माथे से पकड़ा हुआ ताकि हम तमाम जानवरों से, तमाम इंसानों से अपनी मर्जी का काम ले सकें। इतना टाइट कंट्रोल है खातिन हज़रात। अभी एक जर्मन डॉक्टर मार्क्स ने तजर्बा किया और वो रो पड़ा, परेशान हो गया, और उसने अपनी रिसर्च में लिखा
कि हम किसी सूरत भी आजाद नहीं है और किसी काम में आसान नहीं। भला क्यों? वो ब्रेन पे रिसर्च कर, ये एस्टेब्लिश तहकीकात है, आप कोई भी शख्स जाके इनको, मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उसने कहा कि किसी भी फैसले से पहले 6 सेकंड पहले हमारे निचले ब्रेन से एक डिसीशन उठता है और उठ के हर चीज़ कैंसिल करके वही फैसला करता है हमारी हर चीज़ का। तो उसने आगे रिजल्ट ये लिखा कि लगता है कि हमें कोई फ्रीडम ऑफ डिसीशन हासिल नहीं है। तो खातिन हजरत है क्या चक्कर? चक्कर बड़ा सादा सा था। अल्लाह ने ना रिस्क आपके हवाले किया, ना जिंदगी की। अब सबसे बड़ी देखी ना गलती हमें महसूस होती है माँ बाप की। एक कम्युनिस्ट फिलासफर ने लिखा था, चाहे मैं अल्लाह को ना मानूं, मगर मैं अब क्या कर सकता हूँ कि ना इब्तदाए हयात मेरे बस में है ना इंतहाए हयात मेरे बस में। मैं माँ बाप नहीं चुनता, मैं बहन भाई नहीं चुनता। उसने बड़ी मजबूरी से कहा कि मेरा दिल चाहता है मैं खुदा ना मानूँ, मगर मेरे चॉइस किधर है? अगर आज चॉइस दे दो ना लोगों को, लोग कहेंगे हम सारा दिल है बिल गेट के घर पैदा हूँ, कोई कहेगा मैं रईस आजम फला इब्ने फला के घर पैदा, कोई किसी भूखे माँ बाप के घर पैदा होना चाहता, कोई किसी गरीब मस्कीन के घर पैदा होना चाहता। मगर खातिनो हजरात, वो जो शायर ने कहा है ना कि सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियां से सुनी, न इब्तदा की खबर है न इंतहा की खबर। ये सारा फसाना हमारे उस शौरी दिमाग का है जिसमें हम सोचे हम बड़े वो हो गए हैं, बड़े समझदार हो गए हैं, बड़े दानिश्वर हो गए हैं और हम अपनी ज़िंदगी के फैसले करते हैं। मगर मसला ये है कि हम किस मामले में, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तमाम ज़िंदगी ही अमाल की जद में है और अल्लाह की जद में है और वो जो चाहता है हमसे कराता, तो हम क्या करते हैं? फरमाया कुछ नहीं, तुम्हारे तमाम अमाल अल्लाह के कंट्रोल में होते हैं, जिधर चाहता है तुम्हें ले जाता है। जो इमोटिव कंट्रोल्स हैं जिनको ड्राइव्स कहते हैं, तुम्हारे ड्राइव्स अल्लाह के हाथ में। फिर भी सवाल पैदा हुआ, फिर आखिर हमारे पल्ले क्या है, हम क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं? तो बड़ा नाजिक सवाल खातिन हजरात, असल में हुआ ये कि अजल से हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उजलत पसंद लोग थे, इस हमाकत में सब आबा अजदाद शरीक हैं, मैं क्या आपसे कहूँ। तो हुआ ये कि इन्ना अरज़नल अमानता अल समावात वल अर्ज़ वल जिबाल व अशफ़क़ना मिन्हा व अन यहमिलना व हमला हल इंसान। हुआ ये कि अल्लाह के पास एक बड़ी खूबसूरत शायर थी, अल्लाह ने कहा चल फिर के दिखा, वो चीज़ चली ऐसी बांकी ऐसी खूबसूरत, अल्लाह ने अपनी तख्लीक पर नाज किया, वाह 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 मैंने क्या खूबसूरत शायर तख्लीक। फिर उसको कहा जरा पीछे मोड़ आगे हो, जब उसकी अंदाज़ देखे ना उस हसीना के, तो अल्लाह ने अपने आप को दाद दी, कहा सुभान अल्लाह मैंने क्या खूबसूरत चीज़ तख्लीक। अब हुआ कि इसको दूँ किसको? तो कहा अच्छा, इन नारज़ना लमानत अला समावात वल अर्ज़ वल जिबाल, आसमानों और आसमानों की मखलूक को पेश की, फिर ज़मीन और ज़मीन की मखलूकात को पेश की, पहाड़ों और पहाड़ों की मखलूकात को पेश की कि उठाते हो, मगर एक है कीमती चीज़ है बड़ी, इसको ज़ाया करने की सज़ा मिलेगी। अब जो बाकी सियानी मखलूक थी ना खातिन वजह, वो डर गई। मैं तो कहूँगा दरख्त हमसे सियाने निकले, पत्थर हमसे सियाने निकले, इंसान ने वो जो आज तक ये जो करता चला है ना उजलत, और खुदा ने कहा कि इसमें एक ही खामी थी, उजलत में जल्दी से आगे बढ़ा, सरदारी मिल रही थी, सोच रहा था सारी कायनात का मालिक हूँगा मैं, बादशाह बनूँगा, हर चीज़ मुझे सजदा करेगी, वह हम आला हल इंसान इन नालायकों ने उठा लिया। उस पर खुदा ने एक फतवा दिया इसके बारे में, फतवा ये दिया बड़े हमारे बड़ों के बारे में, फतवा ये दिया कि ये इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, जालिम था, जाहिल था।
उस जालिम इसलिए कि अपने साथ इंसाफ नहीं किया। खातिन हजरात भाई एक चीज के तू काबिल नहीं था, तुमने हवा हवस में वो चीज उठा ली, फिर कहा जाहिल जाहिल कि इसने चीज की अहमियत नहीं समझी, और ऐसे ही जैसे को मैट्रिक पास अपने आप को एमए के ऑफिस का काबिल समझे, जैसे इस दौर में बड़ा हुआ ना आए लोग जो कहाँ से कहाँ चढ़ गए। ये अलामत होती है इंसानी माशरे की तबाही की। इंसान ने भी ऐसे किया कि अपनी तालीम और इंफॉर्मेशन नहीं देखी और इतनी बड़ी दौलत को हार डाल। बंदगाने खुदा के नज़दीक इस चीज़ का नाम अकल था, शऊर था, फहम था। ले ली इसने, फिर जो गलतियाँ की वो आपके भी सामने हैं। कुछ इंसान ने भाग गए, काम क्या था इस अकल। खादिम आज़ाद जिंदगी शुरू होने से लेकर जिंदगी ख़त्म होने तक तमाम अरसे में जिस इंसान को भी अकल दी गई उसका सिर्फ एक काम है और कोई काम नहीं। ये लाइफ की टॉप प्रायोरिटी है, इसी जजमेंट के सहारे हमने ज़िंदगी गुजारनी है। कोई हैसियत नहीं लाइफ की, इस अमानत को ये अरसा दरकार है। इस अकल को जो अल्लाह ने हमें दी है इसके लिए आपके पास वक्त है पैदा होने से सकरात तक। हजूर ने फरमाया जिसने सकरात से एक लम्हा पहले भी खलूस कल्ब से खुदा का इकरार कर दिया उसके लिए मगफरत लाजिम हो। एक लम्हा, एक पूरी जिंदगी इस मसले को हल करने के लिए है कि इन्ना हदैना उस सबीला, हमने तुम्हें अक्ल, रोशनी, सलामती ये सारी सिर्फ एक काम के लिए अता की, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, चाहो तो हमारा इकरार करो चाहो तो इनकार करो। मैं तो हैरान हो जाता हूँ खातिन आज़ाद, इतना बड़ा रब है, रोज कितनी मलामतें अपने लिए सुनता होगा। वो तो शायर ने कहा है कि किस रोज़ तोहमते न तराशा किए उदू, किस दिन हमारे सर पे ना आरे चला किए। अगर मैं इंसान से सबसे ज़्यादा आरे तो ऊपर चलते हैं, 7 अरब में से 6.5 अरब तो उसके मुखालिफ होता है, और जो मुसलमान है जो बज़ाहिर उसको मानते हैं वो भी कितना मानते हैं, मगर छेड़ता नहीं है किसी को, किसी को पूछता नहीं है। हाँ जब आप कब्र के सराहने पहुँचोगे तो बड़ी सादा सी एक एक जुमला पूछेगा मन रबों का, आगे ना बरखुरदार सैर शैर कर ली, फिल्में देख ली, खाने खा लिए, जॉब कराए हो ना, आ जाओ अब बताओ तुम्हारा रब कौन था। आपको पता है जवाब भी खुद ही देता है। अगर किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तू ही मेरा रब था, तो बस कहता है मेरे बंदे ने सही कहा, इसको इस गैलेक्सी के रास्ते पे डाल दो, ये कब्र नहीं है करंटीना। आपको पता है बाहर से लोग आते हैं तो उनको पोल्यूशन से बचने के लिए पहले थोड़ी देर में एक बंद कमरे में रखते हैं, इसलिए अगले जहानों की निफासत को दाखिल करने के लिए करंटीना में रखते हैं थोड़ी देर, ताकि वो आलूदगी हट जाए, नापाकिजगियाँ हट जाएं, फिर उसे पूछा जाए मन रबों का। उसने कहा देखो एक रियायत भी दी है, अल्लाह ने ये कमाल किया कि एक रियायत भी डाल दी, और कमाल की रियायत यह कि दूसरे सवाल में है, दूसरे सवाल में रियायत है कि अगर तुम खुदा न खास्ता मुझे भूल भी गए हो तो अगर तुमने मेरे महबूब को याद रखा है तो तुम्हें मेरी भी याद आ जाए, तो मन नबियों का। दूसरा सवाल क्या है, मन नबियों का, भाई याद है जिसको मोहम्मद रसूलल्लाह याद आएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह भी याद आएगा, इसीलिए रसूल अकरम का इरशाद है कि अफजलु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगर आपको एक आध तस्बीह भी कलमा पढ़ना याद रह जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, तो यकीन है कि इस रवायती रेपिटिशन की वजह से कब्र में जब आप पहले सवाल का पहला हिस्सा अगर भूल गए तो जब पूछा जाएगा ना मन नबियों का, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान ऐसा हो बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग जिसे नामे गिरामी मोहम्मद से इश्क ना हो, तब जब वो याद आएगा तो अल्लाह भी याद आ जाएगा और निजात के रास्ते खुल जाएंगे। खादिन हजरात मैं आखिर में ये
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان کی حلاوت تین چیزوں میں ہے. اگر آپ نے چسکا لینا نا ایمان کا, لذت لینی ہے, تو وہ تین چیزوں میں, کہ خدا کو ایسا مانو کہ پھر اس کو اس میں کسی اور کو شریک نہ کرو. وہ طاقتیں جو خدا کے ساتھ کسی اور کا نہ دو. اگر وہ رزق واللہ یقبض و یبسط ہے, وہی کشادہ کرتا ہے, وہی بند کرتا ہے, پھر جنوں بھوتوں کو نہ دو, تعویذوں کو نہ دو. خدا کے لیے اس جرم کبیرہ سے پرہیز کرو, اس جملے سے پرہیز کرو کہ کسی نے میرا رزق بند کر دیا, اس فکرے سے نجات حاصل کرو کسی تعویذ کی وجہ سے مجھ پہ یہ بیماری ہوئی ہے, یہ آپ کے کام میں. وہی بیماری دیتا ہے, وہی شفا دیتا ہے, وہی رزق دیتا ہے. جب خدا کی قدرتوں اور طاقتوں کو آپ بانٹ دو گے نا, تو پھر آپ اللہ نہیں مان رہے. تو پرہیز کرو اس بات سے کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ کہو یا کسی دوسرے کے بارے میں کہ یہ خدا کی طاقتوں کا منقسم کرنے والا. یہ سب سے یہ شرک اعظم. ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے ذریعے ہم پہ بڑی عنایات کی ہیں, بڑی محبتیں کی ہیں, بڑا کرم فرمایا ہے, بخشش بھی بتوسط رسول ملتی ہیں. مگر یہ مت بھولو کہ حضور نے فرمایا واللہ موتی وانا قاسم, اللہ عطا کرنے والا ہے اور محمد بانٹنے والے ہیں. یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ دینے والا کون ہے اور اس کی اجازت سے پھر آگے رعایت والا کون. تو حضور نے فرمایا کہ ایک تو خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو, اور دوسرے مجھ سے ایسی محبت رکھو کہ تمہیں آل اولاد ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت ہو. یہ ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے. اور تیسرے, واپس کفر و شرک کو پلٹنے سے اتنا برا بناؤ کہ جیسے کسی نے سانپ کے بل میں ہاتھ دے دیا ہو. جب یہ تین چیزیں آپ کو نصیب ہو جائیں تو یقیناً آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر بن خطاب, میں تمہیں کتنا عزیز ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ, اپنی جان زندگی یعنی سروائیول سے کم ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. کہا ہے عمر بن خطاب, تو ایمان کو تکمیل نہیں پا سکتا جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. فرمایا عمر بن خطاب نے, یا رسول اللہ, آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں, وٹ ایور مے کم. یہ عمر بن خطاب کا ایمان خراب نہیں تھا, مگر ان کی وجہ سے ہمیں سبق ملے ہیں, ہمیں سبق ملے کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہماری خاندانی روایات سے بڑھ کر نہیں, ہماری ناانصافیوں سے بڑھ کے نہیں, ہمارے حلال و حرام کی تخصیص میں نہیں, تو یقیناً ہم مجبور لوگ ہیں. یہ ایک میں آخری سوال کا آپ کو جواب دے دوں کہ وہ باتیں کون سی ہیں جن کے بارے میں شریعت مطہرہ خاموش ہیں. یہ تفصیل تو بہت بڑا لیکچر مانگتی ہے, مگر مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ حلال و حرام کے درمیان ایک چیز ہے جسے آپ مکروہ کہتے ہیں, ان میں مکروہ تنزیہی بھی ہیں جو اپنی نزت کی وجہ سے مکروہ ہیں, اور بعض چیزیں ویسے بھی لوگوں کو ہم سمجھ کہ یہ بری ہے. ایک آدمی ٹیسٹ کے مطابق ایک چیز نہیں لیتا اور کہتا ہے یہ مکروہ ہے. تو بہت سارے ہمارے ایسے آئمہ بھی ہیں جیسے امام احمد بن حنبل, جب کسی مکروہ کو کہتے ہیں تو اس سے حرام مراد لیتے ہیں, ہم نہیں لیتے. ہم سے مراد یہ ہے ایک نارمل مسلمان جو ہے, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اس چیز کے بارے میں یا خدا خاموش ہے, تو ہم اسے حلال سمجھ. بعض ہمارے آئمہ سخت ہیں, بعض نرم ہیں, اور ہمیں ان کے درمیان جس سے رعایت ملتی ہم لے لیتے ہیں. چہار آئمہ ہمارے اپنے ہیں, اسی طرح امام زین العابدین ہیں, امام آئمہ اہل بیت ہیں, وہ ہمارے اپنے ہیں. جہاں ہمیں ایک فراخ دلانہ رائے مل جائے ہم اسے. آج کل کی امت بڑے مسائل میں ہے. ابھی پرسوں ہی کو مجھے پوچھ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں ایک عورت کو کیوں نہیں خطاب کیا, سارے مردوں کو کیوں خطاب کیا. تو میں نے کہا اس لیے کہ عورت تو ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ بڑا
अचंबा था, पर उसने क्यों नहीं है। मैंने कहा यार कमाल कर, को औरत को मखलूक पराई होती ना, को दूसरी तीसरी, तो फिर खुदा उसे एड्रेस करता, जो मेरे वजूद से निकली, मेरे वजूद का हिस्सा है, मेरा ही पार्ट है, तो मुझे ही एड्रेस करना था ना अल्लाह ने। देखो मुझे ही एड्रेस करना था ना, तो एड्रेस चूँकि मर्द को इसलिए नहीं है कि वो मर्द है और औरत है, बल्कि मर्द औरत चूँकि बेसिकली एक वजूद का हिस्सा है, और उसमें पहला हिस्सा आदम का था, फिर हवा का था, इसलिए खुदावंद करीम बराह रास्त आदम और औलाद आदम को ख़िताब कर रहा है, जिसमें सेल्फ इंक्लूसिव है औरत, उसको अलहदा नहीं वो ले रहा, वो एक ही नस्ल, एक ही आदम की ये सारी औलाद हैं, इसलिए वो आदम ही को ख़िताब कर रहा है और बनी आदम को ख़िताब कर रहा है, इसलिए चूँकि उसका है ही नहीं दूसरी साइड, इसलिए कुरान मर्दों से ख़िताब करता है। और ख़ादिम हज़रात, मैं फिर मोहब्बत रसूल पे गुफ्तगू करता, दिस इज़ लास्ट एंड फाइनल, के अल्लाह के रसूल ने हमारे कुछ आइम्मा सख्त होते हैं, कुछ नर्म होते हैं, कुछ अच्छी खबर देते हैं कुछ, तो कुरान का रूल ये है, रूल ये है कि भाई मैंने तुम पे हर्ज नहीं रखा, अल्लाह का अगर ये कहना कि मैंने तुम पे हर्ज नहीं रखा, सख्ती नहीं रखी, तो हमारा असूल ये बन जाता है कि हम अल्लाह से फिर रियायत लेते हैं, जितनी मुमकिन हो रियायत तो ले लो। अगर खुदा ने आपको तकलीफ़ ना देने का वादा फरमाया है, और कुरान हकीम में फरमाया है कि देखो भाई मैंने तुम्हारे कुरान भेजकर मैंने कुछ सख्ती के लिए नहीं भेजा, मा अनज़ल नालैकल कुरान अले तश्का, तो हम बनो अगर खुद गर्ज किस्म के बने हो ना अल्लाह के, तो हम चाहेंगे कि जो रियायत अल्लाह से मिलती है फ़ौरन ले लो। अगर आपको सफ़र में रियायत मिलती है, आप कौन पागल है जो सफ़र में पूरी नमाज पढ़ेगा, जब मुझे अल्लाह ने रियायत बख्शी हुई, तो रियायतें ना छोड़ो करो, ये अल्लाह ने इंसान पे सदका किया हुआ है, और जो सदका है खुदावंद से इनकार करता है उसको अकलमंद नहीं कम अज़ कम समझा जा सकता। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद करीम ने बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है कि एक दफ़ा बहुत बड़े आइम्मा में से हैं, और इमाम इब्ने मुझे इनका नाम इस थकन की वजह से नहीं रहा, मैं अभी बोल दूंगा आपसे, तो उन्होंने ख्वाजा अबुल हसन शाजली को लिखा, इमाम इब्ने तैमिया ने, सख्त थे बड़े मिजाज के, होते हैं ना बाज़ लोग, हमने अपने आबाओ अजदाद में भी देखे, ये गलत लोग नहीं होते, सख्त होते हैं बाज़, बहुत नर्म होते हैं। तो इमाम इब्ने तैमिया ने ख्वाजा अबुल हसन शाजली, जो अपने वक्त के इमाम तसव्वुफ़ थे, उन्हें ख़त में लिखा, और लिखा ये कि तू सुना लोगों को बड़ी खुशखबरियाँ सुनाता मेरी अल्लाह की तरफ से, तो बाज आ और कोई हदीस बता, वरना हम तुझे नहीं छोड़ेंगे और तुझे दायरा शरीयत में ला के सजा दें। तो ख्वाजा अबुल हसन शाजली ने कहा तू तो मुहद्दसीन का इमाम है, बहुत बड़ा है माशाल्लाह, तो इस हदीस के बारे में जो मुत्तफिक कला है, हसन है, सही है, मुतवातर है, मशहूर है, इस हदीस के बारे में क्या कहते। तो हदीस ये थी, एक शख्स आया और उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत में क्या नसीब, उदाब ने कहा क्या किया उसके लिए, उसने मैं नमाजें पढ़ी कर या रसूलल्लाह, इतनी तो नहीं पढ़ी, रोज़े रखे हैं या रसूलल्लाह, नहीं बस मामूली से, कोई खैरात सदकात करें या रसूलल्लाह, था ही क्या देता, तो कहते किस बर्ते पर जन्नत को पूछता। तो उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत बढ़ी, तो हुजूर ने फरमाया कि फिर जन्नत में तो वो उसी के पास जाएगा जिससे उसको मोहब्बत बढ़ी। तो इमाम अबुल हसन शाजरी ने यह हदीस लिख के इमाम इब्ने तैमिया को भेज दी कि सही है ना जो हुजूर ने कहा कि जिसको जिससे मोहब्बत है वो उसी के पास जाएगा और उसी के कुर्बत में रहेगा, ये हदीस सही है। तो इमाम इब्ने तैमिया को पता था कि हदीस सही है, तो वो चुप करके रह गए। तो ख़ातिन हज़रात, बहुत सारी कमी और बेशी मोहब्बत खुदा और रसूल से पूरी होती है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह आपके बग़ैर उदास रहता है। कुरान में कहता है या हसरतन अलल इबाद, ए लोगो मुझे हसरत है, तुम आखिर क्यों नहीं मेरा ख्याल करते, मैं तो चाहता हूँ तो प्यार से मोहब्बत से अपने रब को याद करो। फिर तरीका भी बताया बड़े मुस्तकम
कहता है फ़ाइज़ा कज़ाई तुम मनासिकुम, हज के दिनों में का, मगर तरीका बता रहे तो जब मसाइल पूरे कर चुको ना ये रस्म व रिवाज, देखो बढ़िया मज़े की बात होती है, तुम रस्म व रिवाज में पड़े हुए, ये सारी चीज़ें रस्म व रिवाज, मज़हब का एक ढांचा होता है ना, बाहर का नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये ढांचा है, एक्सटर्नल ढांचा है, मनासिक है, जब हम ये पूरे कर लें तो कहते हैं फ़ाइज़ा कज़ाई तुम मनासिकुम फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम, ऐसे याद करो जैसे आबाओ अजदाद को याद करते। तो खादिम अजदाद को इसमें खौफ आता है जो अल्लाह मियाँ कह रहे हैं फ़ज़्कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाकुम, ऐसे याद करो जैसे माँ बाप को करते हो, तो माँ बाप की याद को खौफ से तो नहीं आती, मोहब्बत से, प्यार से, उनसे, हसरत से, आरजू से, ये तो कभी नहीं देखा कि कोई डर के माँ को याद कर रहा हूँ। तो कहता है कि फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रकुम आबाकुम, ऐसे मुझे याद करो जैसे अपने आबाओ अजदाद को करते हो, कहा औ अशद्द ज़िक्रा, थोड़ा ज़्यादा करो, इसलिए कि यार अगर तुम्हें सच्ची बात बताऊँ ना, तुम्हारे माँ बाप को नहीं इम्पोर्टेंट, मैं हूँ, तुम्हारा रिस्क तुम्हें कोई नहीं देता, मैं देता हूँ, ज़िंदगी कोई नहीं देता, मैं देता हूँ, इज़्ज़त कोई नहीं देता, फ़ाइनल इज़्ज़त लिल्लाह जमिया, सारी इज़्ज़त मेरे पास है, मैं दिल तोड़ता हूँ, दिल जिंदा रखता हूँ, मैं मोहब्बतें डालता हूँ, निकालता हूँ, अल्लाह मुअल्लिफ बैना कुलूबिहिम, मैं ही डालता हूँ इनके दिलों में मोहब्बतें, मैं ही नफ़रतों का इनके दिल में बीज, इनको सजा के तौर पर देता हूँ, मैं ही खैर व शर का खालिक हूँ ताकि तुम्हें आजमाऊँ। अगर तुम वाकई समझदार हो ना तो तुम ये रस्ते की मोहब्बतों के फरेब से बच निकलोगे, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम सारी मोहब्बतें खर्च ना जब तक कर लो ना, थोड़ा थोड़ा सबसे ऊपर नहीं ना चढ़ोगे तो तुम मेरी मोहब्बत नहीं पा सकते। और जिसको ये असूल आ गया वो अंजाम बखैर हुआ, अल्लाह ताला आपका भी और मेरा भी अंजाम बखैर हो। बस थैंक यू सो मच।